sir. हमारी लोकसभा जिसमें बैठकर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट देश भर की नीतियों का निर्णय लेते हैं। इस समय इसके हॉल में कैसे विषय पर डिबेट चल रही है जिसे सारा देश टीवी पर देख और सुन रहा है। यह आसमान से हमला है हमारी संस्कृति पर, हमारे कल्चर पर। सैटेलाइट, केबल, दुनिया भर के चैनल 2400 घंटे हमारे देश पर बीम होते रहते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे ना तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और ना ही अपने माँ बाप की सुनते हैं। हर वक्त टीवी टीवी टीवी। भ्रष्ट कर रखा है हमारी इस नई पीढ़ी को, हमारे जनरेशन को बिगाड़ के रख दिया है इसने। इस पर रोक टोक लगाइए सूचना प्रसारण मंत्री साहब। सेंसर, कला सेंसर। टीवी का कोई भी बटन दबाओ तस्वीर आती है स्त्री पुरुष आलिंगन में एक दूसरे से चिपके हुए। बताइए, दूसरा बटन दबाओ गोला बारूद गन फायर की फिल्में। तीसरा बटन दबाओ तरह तरह की शराबों के इश्तेहार। कोई कहता है हमारी शराब पियो, कोई कहता है हमारी शराब पियो। चौथा बटन दबाओ कहीं बेली डांस हो रहा है और दुनिया ताली पीट रही है। दुनिया ताली पीटती है और आपकी भौहें चढ़ जाती है। आपको एंटरटेनमेंट से नफरत है क्या? अभी तो लगता है। पांचवा दबाओ तो लोने लोनिया आमने सामने एक दूसरे के सेक्स को चैलेंज कर रहे हैं। यही महाशय सबसे ज्यादा टीवी देखते लगते हैं। कोई छाती उछाल उछाल के नाच रही है और कोई टांगे उठा उठा के आसमान की ओर फेंक रहा है। कभी आप भी ये सब किया करते होंगे? आपका जमाना निकल गया जनाब, आप बूढ़े हो गए हैं। ठीक कहा। टोकियो मत। आई थिंक सो। बस बटन दबाते जाइए और देखते जाइए आज की सभ्यता। आपकी पीढ़ी और आज की पीढ़ी में बहुत अंतर है। वही जो जवानी और बुढ़ापे में है, वही जो आप में और आपके बच्चों में होगा। नो पर्सनल अटैक जेंटलमैन, नो पर्सनल अटैक। आप अपने बच्चों का हक कैसे छीन सकते हैं? उनका क्या हक है हम बताएंगे। उनका क्या हक है उन्हें वक्त बता रहा है और आप वक्त को पीछे नहीं ले जा सकते। हम पीछे लेकर जाएंगे। वक्त की चाबी इनके हाथ में है। घड़ी की चाबी पीछे घुमाना चाहते हैं वहाँ बैठकर। हंसी मत उड़ाइए, ब्रेक लगाइए, ब्रेक। ब्रेक अपने हाथ में नहीं है महोदय, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल असर है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कहिए, षड्यंत्र हमारे खिलाफ और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है लेडीज एंड जेंटलमैन। होता होगा एक ऐसा शीशा जिसमें सब कुछ कोई भी कहीं भी देख पढ़ और सुन सकता है। ये क्या? अरे किस छोटी सी बात पर कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं इस हाउस का? हा? दुनिया को छोड़िए, उसे क्या देखना है। आप जनता के दिलों का सेंसर बोर्ड क्यों बनना चाहते हैं? हम सरकार हैं, हम सेंसर बोर्ड हैं। हमारी राय दुनिया की राय होगी। हमारी राय भी वजन रखती है लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले अपनी घर की सफाई करवाइए, झाड़ू फिरवाइए झाड़ू। हाँ, सबसे पहले अपनी फिल्मों पर रोक टोक लगाइए, उनका कल्चर सुधारिए। लो अब फिल्मों के पीछे पड़ गए, इनको और कुछ काम ही नहीं है। पाबंदी लगाइए अपनी फिल्मों पर,
ताकि फिल्म वाले वही फिल्म बना सके जो अपने बच्चों को देखना चाहिए। डिक्टेटरशिप, तानाशाही। फिर से नई गाइडलाइंस जा रही है सेंसर बोर्ड को और साथ में कड़ी इंस्ट्रक्शंस कि उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, खासकर सेक्स, मारधाड़, नशा और शराब को बढ़ावा। हेलो, व्हाट द हेल, ये रीजनल ऑफिसर न जाने कहाँ चली गई हैं। जी साहब, पता लगाओ कि रीजनल ऑफिसर कहाँ हैं। प्रोड्यूसर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं, परेशान कर दिया है मुझे। रीजनल ऑफिसर जी का तो घेरा हो रहा है साहब बाहर। क्या प्रोड्यूसर लोगों ने घेरा है जिनके सेंसर सर्टिफिकेट रुके हैं। 3 महीने से सेंसर ऑफिस के चक्कर काट रही हूं मैं। फिल्म का सर्टिफिकेट हाथ क्यों नहीं लग रहा है मेरे। मुझे 6 महीने हो गए हैं, 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिल्म पे करके बैठा हूँ। फाइनेंस का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। मेरे शेयर भर में लगे बैनर्स फट भी गए। अब तो पुरानी और स्टेल लगेगी फिल्म दुनिया को। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डेड हो गई है, जैसे पैसे गटर में फेंक दिए हो। हाँ हाँ, सर्टिफिकेट मैडम, हमें हर रोज इस सेंसर बोर्ड में आना पड़ता है जैसे कोई भगवान का मंदिर हो। हाथ जोड़ने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए। मैडम सर्टिफिकेट दीजिए। तो फिर आप काट दीजिए ना जो हम कहते हैं। हाँ, लड़ाई किस बात की। आपका कीमती वक्त और पैसा लगा हो फिल्म में मैडम, तो आप ये नहीं कहती। मुझे दोष मत दीजिए, आप जाकर के पार्लियामेंट में लड़िए, मिनिस्ट्री से लड़िए, सरकार से लड़िए, जो हमें सेंसरशिप की गाइडलाइंस भेजते हैं। तब तक यही सेंसरशिप रहेगी और आपकी सेंसर वालों से इसी तरह जंग होती रहेगी। नमस्कार। की फोटोग्राफ आती रहती है। अरे हाँ, इन्हें तो टीवी पर भी देखा गया है। फिल्म डायरेक्टर विक्रम जीत है, विक्की के नाम से मशहूर है। आपने ठीक गेस किया, मैं फिल्म डायरेक्टर विक्रम हूँ। आप बरसों से मेरी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिल्म देखते चले आ रहे हैं। अभी आप मेरी लेटेस्ट और नई फिल्म आने वाला कल का सबसे पहला प्राइवेट ट्रायल देखने जा रहे हैं। आप मेरे इन्विटेशन पे आए, आई थैंक यू वेरी मच। आप सब में हमारे देश की समाज के हर क्षेत्र, हर तबके और हर धर्म में से कोई ना कोई मौजूद है जिनसे ना तो मेरा कोई दोस्ती का ही वास्ता है और ना ही जान पहचान। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी इस फिल्म को देखकर इस फिल्म के बारे में अपनी अपनी सच्ची राय दें। उधर एग्जिट डोर के पास टेबल पर एक रजिस्टर रखा है जिसमें कुछ आइटम्स लिखे। उस रजिस्टर में छपे आइटम्स पर टिक मार्क या क्रॉस मार्क करते वक्त आपको अपने अपने कमेंट्स भी लिखने होंगे कि आपको फिल्म कैसी लगी। अच्छी, बुरी, बहुत अच्छी, बहुत बुरी, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, इसमें से समाज के लिए कुछ कटना चाहिए या नहीं, और अगर कटना चाहिए तो क्या कटना चाहिए और क्यों। यानी कि आप लोग इस समय मेरी इस फिल्म का सेंसर बोर्ड हो। बस आपको इतना देखना होगा कि अपनी अपनी राय लिखते वक्त आप किसी दूसरे के रिएक्शन को जानने की कोशिश ना करें। थैंक यू, बाय बाय। और मैं विक्रम साहब का फर्स्ट असिस्टेंट, फिल्म खत्म होते ही मैं वहां रजिस्टर के पास खड़ा रहूंगा। At your service. दोस्तों, विक्रम साहब को कौन नहीं जानता। विक्रम साहब को सारी दुनिया जानती है और मैं सारी दुनिया को जानता हूँ। फिल्म जब रिलीज होती है तो सबसे पहले दुनिया मुझे फोन करके बताती है कि फिल्म पास हुई या फेल, या आप जैसे लोगों के चहल पहल है थिएटर में, या फिर कौवे बोल रहे हैं, या फिल्म का टायर पंचर हो गया है, या उसकी हवा निकल गई, या पूरा फ्लैट हो गया, या फिर उसकी गाड़ी चकाचक 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 इतनी तेजी से भाग रही है कि तूफान मैल भी उसे टक्कर नहीं ले सकती। आप समझ रहे हो क्या कहने जा रहा हूं। जो भी है आपके सामने है। स्टार्ट। विक्की साहब ने अपनी यूनिट को यही चाय पे इनवाइट किया है। रिएक्शंस लाएंगे फिल्म देखने वालों का। हमारी फिल्म का भविष्य लिखा जा रहा है। लिखा गया है सर। जनता की क्या राय है साहब इसके अंदर है। सर, किसी ने किसी से बात नहीं की सर,
जैसे इलेक्शन में बैलेट बॉक्स पे वोट डालते हैं, उसी तरह सारे के सारे हर आइटम पे मार्क करके अपने अपने कमेंट छोड़ के चले गए। अभी जानना चाहेंगे क्या राय दी ऑडियंस ने फिल्म के बारे में? ये सस्पेंस रहेगा राज मेरे और जॉनी के बीच। यस यस यस, अभी तो हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि हमारी हीरोइन रूमी की बहुत चर्चा होगी और वो टॉप की स्टार बनेगी। और हमारा हीरो राजा भी पीछे नहीं रहेगा। सुना सर, आपसे मिलने कोई लेडी आई है। हाँ, वहाँ पूल पे इंतजार कर रही हैं। हेलो हेलो विक्रम हियर, यू मे कॉल मी विकी। मार्गरेट ट्रूमन, आप मुझे मैगी कह सकते हैं। हाँ। और चाहे तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं। तो फिर हिंदी में ही बात करते हैं। कॉफी, मुंबई में क्या कर रही हैं? सर, वैसे हॉलीवुड से हूँ, एक टाइम पर एक्ट्रेस थी वहाँ पर। मुझे भी ऐसा लगा। इंडिया अपने एक फ्रेंड से मिलने आई, बाई चांस आपकी फिल्म दिखाने ले गई मुझे। वो जो मालाबार हिल से इनवाइट की गई थी, चमचमाती साड़ी में आई थी, मैंने आपको देखा था। आपने बहुत प्यारी फिल्म बनाई है, बिलीव मी, आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट, लव्ड इट, इट वाज सच एन ऑसम ऑसम एक्सपीरियंस। यू आर नॉट जोकिंग, मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक करती तो आपसे मिलने आती। हॉलीवुड वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड कमेटी की 2 साल से परमानेंट मेंबर हूं। आपकी फिल्म देखकर आपसे हैंडशेक करने को जी चाहा। थैंक यू फॉर कमिंग। आपके फिल्म का नशा अभी तक है। It was so inspiring, awesome, so great. मैं हॉलीवुड वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड कमेटी से कहने वाली हूँ मिस्टर विक्रम, विकी, कि आपकी फिल्म को इस साल के फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड के लिए नॉमिनेट करें। Now I really feel great. अब आप मुझे बेहद खुशी दे रही हैं। I want to kiss you, Miss Margaret. Maggie, call me Maggie. Maggie. You wanna kiss me? Go ahead. मैं दुनिया भर में शोर मचा कर कहूँगी मेरे फेवरेट डायरेक्टर ने मुझे किस किया। एकेडमी अवार्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है विक्रम साहब, सिर्फ कॉफी क्यों, उसकी अभिलाषा में शैंपेन ऑर्डर कीजिए। यस, मेरी ओर से। ना 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 ना, मेरी ओर से। चीयर्स मैगी। आप अपने नए स्टार से मिलवाने वाले थे। मैसेज तो छोड़ा है मोबाइल पर, रोमांस में कहीं खो गए लगते हैं। हॉलीवुड से आई है मैगी। हमारी फिल्म देखी उसने और उसे बहुत पसंद आई। हाँ, वहाँ जाकर चर्चा करेगी उसका। क्यों ना उसे हम थोड़ा और इम्प्रेस करें? कैसे? उधर कोई डांस रिहर्सल होने जा रही है, अपनी फिल्म का एक हिट नंबर परफॉर्म करते हैं उसके लिए। अरे हाँ, वही जो पॉपुलैरिटी चार्ट में और हम दोनों फिल्म के फन रेटिंग के स्टेज पर डाल दे।
सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमले यश जोदायक फलचार फिर वही कपड़े कितनी बार कहा है कि हमारी बेटी ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाएगी बंद कर ऐसे कपड़े पहनना अगर इस घर में रहना है तो मेरा यह रहना पसंद नहीं है तो मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए सुना तुमने नंदनी तुम्हारी बेटी के कैसे पर निकल आए हैं एक तो भद्दे और शर्मनाक कपड़े पहन रखे हैं और ऊपर से कह रही है मुझे घर से बाहर निकाल दो ये रात को भी देरी से आती है उस दिन रात के 1:30 बज गए थे जब नींद से उठकर मैंने इसके लिए दरवाजा खोला क्यों नहीं जब मुझे बाहर के दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी नहीं देना चाहते आप डुप्लीकेट चाबी तो क्या तुम हर रोज इसी तरह लेट आना चाहती हो हफ्ते में एक ही बार तो जाती हूँ डिस्को सैटरडे नाइट सब अच्छे अच्छे घराने की लड़कियाँ आती है वहाँ अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मेरे ही पेरेंट्स हैं जो मुझे रोकते हैं तो क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है तो आप चाहते हैं कि मैं अकेली जाऊँ डिस्को कोई भी लड़का मेरा हाथ पकड़ ले और मेरी कमर में बाहें डालकर डांस करने लगे मेरे साथ तो क्या तू डांस भी करती है घर में दिन रात टीवी पे म्यूजिक डांस चलता रहता है लड़के लड़कियां नाचते हैं तो आपको ठीक लगेगा कि मैं गंवार की गंवार बनी रहूं बैकवर्ड देखिए दिन के इस वक्त भी बंद करो इसे संभालो इस लड़की को और लंबा लंबा भाषण दो इसे ना तो ये डांस सीखे और ना ही करे और ना ही ऐसे बेहुदा कपड़े पहने और ना ही डिस्को विस्को जाए आप दोनों जमाने से पीछे रह गए हैं ओह मेरी लिपस्टिक बड़ा डांस सीखने जाती है नमस्ते पंडित जी नमस्ते कन्या हमें अपना ही समझो है? आज शाम को भी घर में अकेली ही रहूंगी चुपचाप वरना बाइक लेकर उड़ जाऊंगी आज फिर चकमा दिया मम्मी डैडी को नहीं आज मैंने बता दिया कि मैं अपने रोहित से मिलने जा रही हूँ लेकिन ये नहीं बताया कि जब वो अपनी मोहिनी को डिस्को में नाचने के लिए उठाता है तो वहाँ का पूरा ऑर्केस्ट्रा नाचने लगता है अरे तुम भी तो मेरी दिल की ऑर्केस्ट्रा हो और वो फूल जो हर रोज तुम मेरे लिए लेकर आते हो हम जो शौक से निकले घर से सारा जहां शौकीन हो चला बेगम हम जरा देर से आएंगे इन दिनों हर शाम आप घर लेट आते हैं पहले मदरसा बंद होते ही आधे घंटे में पहुंच जाते थे आजकल मुझे घंटों इंतजार करना पड़ता है मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के अलावा कुछ और भी काम आन पड़ते हैं सर पे बेगम ये शकीला कौन है शकीला हाँ शकीला कल ईद की जिसकी हाथों की बनी सेवैयां आई थी फूलों के उस गुलदस्ते के साथ वो सेवैया तो तुमने भी खाई थी ना लेकिन नोट तो उन्होंने खास आप ही के लिए लिखा था प्यार के साथ शकीला की तरफ से जनाब नसीरुद्दीन शौक साहब के लिए अरे हाँ वो शकीला मास्टर नहीं है प्राइवेट ट्यूशन देती है बच्चों को सबक सिखाती है उस रोज एक जलसे में मुलाकात हुई हमने एक नजम पढ़ी उसके दिल पर चिपक गई और फिर वो खुद ही आपकी नजम बन गई ओफो, खुदा का नाम लो कैसी बेमानी बातें करती हो किसी और पे दिल फेंकने की जरूरत है तुम्हारे होते हुए कौन मैं शकीला शाम को मुलाकात होगी ना आज दिल है हुजूर के साथ बैठने का शाम को हाँ क्यों नहीं शकीला का ही फोन है पढ़ाओ पढ़ाओ जरूर पढ़ाओ बच्चों को अच्छा अच्छा पढ़ाओ अच्छा अच्छा हाँ बच्चे लेकिन थोड़ी अरसे के लिए आऊंगा शाम को घर भी तो आना चाहिए वक्त पे और वो नज़्म जो पिछली बार आपने मेरे बिस्तर पर बैठे बैठे गुनगुनाई थी एक बार फिर से पढ़िए तो अच्छा वो हाँ हम तुम हुए तुम हम हुए जन्नत और जहां दोनों गुम हुए वाह
अब ये हमेशा हमारे दिल में कैद रहेगी। जरूर रहनी चाहिए, जरूर रहनी चाहिए। ये हम तुम कब से होने लगा? मुझसे शायरी सीखने पर तुली है ये शकीला, लेकिन सबसे पहले हमारी जान मन, फिर जहाँ। देखिए, अगर आपकी इस तरह की कोई हरकत मेरे कानों में पड़ी ना, तो फिर आप अपनी जान मन को ढूंढते रहिएगा। अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लो बेगम, अल्लाह का नाम लो। किसके लिए बंठन रही हो? पहले अपने लिए, फिर तुम्हारे लिए। I love you. मेरे हर एक एक अंग में कितना जादू है। बहुत। मेरी बाहें, मेरी आंखें, मेरा फेस। मैं इस देश के हर नौजवान का सपना बन सकती थी, टॉप स्टार, टॉप एक्ट्रेस। अगर स्क्रीन टेस्ट अच्छा आया है तुम्हारा, और ये स्टिल फोटोग्राफ्स तो है ही गॉर्जियस। क्या अच्छा लगा? सब कुछ, तुम्हारा फेस, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी लेग्स, तुम्हारी बाहें। तो फिर मुझे कास्ट कर रहे हो अपनी फिल्म में? डोंट बी डिसअपॉइंटेड, लेकिन अभी जो बना रहा हूँ उसमें नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारा टेस्ट लेने के बाद एक दूसरी लड़की का भी टेस्ट लेना पड़ा। मुझसे अच्छी? दोनों बराबर देखने में, लेकिन उसको रोल ज्यादा सूट करता है। फिर मेरा टेस्ट ही क्यों लिया? टेस्ट तो लेने ही पड़ते हैं फाइनल कास्टिंग से पहले। मेरा टेस्ट लेते वक्त तुमने मुझे कहा था कि मुझ में ऐसा जादू है जो तुम पे छा सकता है। कहा था? मेरा दिल बहला कर पीछे हट गए। स्क्रिप्ट पर नजर दौड़ाई तो बस। हम दोनों एक दूसरे से कितने बार मिल चुके हैं? सोचना पड़ेगा। ये हमारी छठवीं मीटिंग है। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकती हूँ, सब कुछ, वो सारा प्यार जिसे एक आदमी सिर्फ अपनी औरत या अपनी गर्लफ्रेंड से मांगता है। I'm sorry, निशा, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी दूसरी फिल्म का इंतजार करूंगी। उसका भी कोई प्रॉमिस नहीं? मत करो। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रह सकती हूँ? हम दोस्त हैं। जितना तुम्हारे साथ रहता हूँ उतना ही प्यार बढ़ता जाता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मेरे दिल के जख्म इतने गहरे हैं कि इन्हें भरते भरते दिल लगेगी अमर। मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करो, वरना हमारी कुट्टी है अब भी से। फिर मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। You're not serious. I am. तुम्हें जरूर कोई जीवन साथी मिल गया है, मुझे खुशी हुई। I'm happy for you. Goodbye. मैं अभी भी एक्ट्रेस बनने के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। हेलो, मिसेज अख्तर। यस, स्पीकिंग। मैं मिस श्रीवास्तव बोल रही हूँ। हमारे पास एक फिल्म सेंसर होने के लिए आई है। आप सेंसर बोर्ड की पुरानी मेंबर हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी स्क्रीनिंग में रहे। कौन सी फिल्म? आने वाला कल। नमस्कार, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। आदाब। आदाब। देर तो नहीं हो गई? आदाब। अंदर फिल्म शुरू हो गई सेंसर के लिए? बिल्कुल शुरू होने वाली है। 5 मेंबर आ चुके हैं, साथ में रीजनल ऑफिसर भी। मैंने लंबा सलाम मार के उनका स्वागत किया सर। मैंने कहा विक्रम साहब इससे भी लंबा सलाम भेजते हैं। बहुत खुश हुए सर। अच्छी भूमिका बांध रखी है सर। मैं तो कहता हूँ बगैर कट के पास कर देंगे हमारी फिल्म।
मालूम है इस वक्त हमारी फिल्म सेंसर हो रही है? मालूम है, आई एम वेरी एक्साइटेड। मी टू। अच्छा बताओ कौन बड़ा स्टार बने, तुम या मैं? हम दोनों। ए राजा, कॉलेज के दोस्तों की याद आती है कभी? ओए रोहित, तू क्या कर रहा है यहाँ पर यार? वही जो तू कर रहा है। क्या? अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहा हूँ यार। कौन है गर्लफ्रेंड, मिलवाओगे नहीं क्या? पहले अपनी वाली से मिलवा, सुना हीरो बन गया। नाइस मीटिंग। ये है मेरी लीडिंग लेडी रोहित। और मैं कॉलेज के गहरे दोस्त हैं। यहाँ के डिस्को क्लब में किसी भी शाम चले जाओ, यहाँ का यंग क्राउड इसके आगे पीछे नजर आता है। तुम भी आओ, कभी लेकर आओ रूमी को। अरे हाँ क्यों नहीं, आज ही। और आज तो हंगामा हो जाएगा, सैटरडे नाइट भी है। फैंटास्टिक। विगी साहब को भी इनवाइट करते हैं फिल्म के सेंसर होने की खुशी में। लेट अस। और अब मेरी गर्लफ्रेंड से मिलो। मोहिनी मोहिनी मोहिनी। मान गए मान गए, अब आओ मेरे दोस्तों से मिलो। आओ। मैंने सब सुन लिया है। नाइस मीटिंग यू रूमी। यस सेम हियर। और आपके हीरो राजा। आज शाम को हम सब लोग डिस्को में हंगामा कर देंगे। जानती हो मुझे तुमसे कब प्यार हुआ? स्टेज पर, जब हम दोनों फिल्म के फंड रेजिंग सीक्वेंस में गा रहे थे। क्या लग रही थी तुम उस फूल बेचने वाले के रूप में। और तुम बताओ, मैंने तुम्हें अपना दिल कब दिया? उसी गाने के एंड में, जब हम दोनों ने साथ साथ गाना शुरू किया। अरे वो देखो कितना प्यारा फूल झुका है मेरी तरफ। तोड़ के लाओ प्यार से। राइट नाउ, अभी मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। क्या? कि अपनी अंसा से शादी करूंगा। और मैंने भी एक फैसला किया है। वो क्या? कि शादी से पहले हमारी इंगेजमेंट होगी। एक और फैसला। वो क्या? कि हमेशा तुम्हारे पास रहना, तुम्हारे बगैर बेचैन रहना। फुल टाइम जॉब है, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। ठुन ठुन गोपाल हो जाओगे, बेकारी में क्या करोगे? जो सब बेकार करते हैं, पॉलिटिक्स में जाऊंगा, लीडर बनूंगा। मेरे दिल की बात कह दी, मैंने भी पॉलिटिक्स में जाने की सोच रखी है और स्कूल टीचरी छोड़ दूंगी। सेंसर की बत्तियां दो बार ऑन हुई सर, कट साउंड करने के लिए। किन शॉट्स पर? रूमी के शॉट्स पर। हेलो। हेलो, मैं रूमी। हाँ बोलो रूमी, तुम्हारे शॉट्स चल रहे हैं अंदर। ओह, आई एम सो थ्रिल्ड। और आज शाम को हम सब डिस्को क्लब जाएंगे और आप इनकार नहीं करेंगे। जैसे हमारी रूमी चाहे। जी मेरा रेजिग्नेशन लेटर। क्यों, क्या देख रही है तू? टीवी? कामसूत्र ऐड? मत देख टीवी। तो फिर इसे रखा ही क्यों है यहाँ पर? ऐसे गंदे प्रोग्राम्स और इश्तेहार देखने के लिए नहीं। मेरे कॉलेज की सारी सहेलियाँ देखती हैं, आप मुझे क्यों रोकती हैं? उनके माँ बाप भी उन्हें रोकते होंगे। ये प्रोग्राम माँ बाप के लिए नहीं है, हमारे लिए है। आप जाकर दूरदर्शन पर रामायण देखिए। तू इसे नहीं देखेगी? मैं देखूंगी। तू माँ के साथ जिद करिए, नहीं देखेगी। यू सिली वुमन। ये क्या सिली सिली सीख कर आई है कॉलेज से? कल से अंग्रेजी कॉलेज में नहीं जाएगी। मुझे अनपढ़ बनाकर नहीं रख सकती आप। मातृभाषा सीखो। वो भी सिखाते हैं कॉलेज में और मैं सीखती हूँ। तो फिर वही सीख। अंग्रेजी भी उतनी ही जरूरी है दुनिया में रहने और आगे बढ़ने के लिए, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तेरी तो मैं अब शादी कर दूंगी एक ऐसे लड़के के साथ जो तुझे बांध कर रखे। अब लड़कियों को कोई बांध कर नहीं रख सकता इस देश में। स्त्रियों की भी सुनवाई होगी। क्या? देश के संसद में उसी तादाद में बैठेंगे जैसे कि पुरुष। आप जैसी माँ का जमाना गया। ऐसी चपत दूंगी बदतमीज। चपत मैं भी लगा सकती हूँ माँ। लेकिन क्या? लेकिन अपनी माँ की इज्जत करना सीखो। मैं जवान हो चुकी हूँ माँ, कहीं घर छोड़कर चली गई तो हाथ मलती रह जाओगी, पछताओगी। अरे तेरे लिए कौन पछताएगा, आने तो डैडी को घर में। ढूंढो जाके डैडी को की गर्लफ्रेंड के पास से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग।
आज मेरी क्लास में आप सब लड़कियों के डिबेट का विषय है आज के भारत की नारी। आप सब अब मुझे बारी बारी बताएंगी कि हमारे देश की कौन सी नारी आपका आदर्श है और आप क्या क्या बनना चाहती हैं। मेरी फेवरेट और आदर्श झांसी की रानी रजिया सुल्तान। नारी का स्वर्ग उसके पति के चौके में है, उसके चरणों पर। धिकार है तुम पर, तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। हम नई सदी की नई हवा में उड़ेंगी। बिल्कुल, नारी को पर लग गए हैं। पुरुष से कम नहीं, चंद्रमा के आसपास पहुंच चुकी है अकेली। हमें से कोई भी इंदिरा गांधी बन सकती है। मेरी भी यही सोच है। मैंने तो सोच लिया, पायलट बनूंगी। मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी। मैं पुलिस ऑफिसर। मैं सिंगर। और आप? हम तो गाँव से हैं, हम तो वही करेंगे जो हमारे दादा बोलकर चले गए। और वो क्या? हमारे पति से हमारी शादी करवाई जाएगी और भगवान न करे वो परलोक से धार गए तो हम सती हो जाएंगे। हाउ सिली। अरे तू पैदा ही क्यों हुई? अगर पैदा होते ही जल जाने की भावना थी। स्त्री की रेखाओं में जलना ही तो है। और है क्या? सब कुछ। मैं तो सितारों की तरह चमकूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। और मैं पेरी डांसर, और वो भी ऐसी कि टीवी पर सब नाचने वालियों को नीचे दिखा दूंगी। ऐसी क्या खास बात है जो तुम इतना चहक रही हो? ये तो हमारे क्लास की चमक छल्लो है। क्यों? हो जाए परवीन, हो जाए, हो जाए, हो जाए, ठीक है। अब देखो क्या है मुझ में। लवली है, सेक्सी भाई, लचक तो है। आप में से किसी में हो इतनी तो दिखाओ। ए, चैलेंज नहीं करना, तू एक होने वाली एक्ट्रेस से बात कर रही है तो हो जाए कंपटीशन। पूजा, हो जाए, हो जाए, पूजा। ओके ओके ओके, कुछ तो शर्म करो। कोई हया नहीं, ये क्या दिखा रही हो? अपनी सभ्यता का कुछ तो ख्याल करो। कौन सी सभ्यता? जो कल थी सो आज है। है कोई ऐसा आदमी जो नारी का अलिंगन न करना चाहता हो? यही तो नारी की शक्ति है और हम ही से तो संसार आगे बढ़ता है। अरे अभी कोई मर्द आएगा, बताओ है कोई ऐसा मर्द जो इससे आंखें बंद करके भागा हो? विश्वामित्र को ही देख लो। नारी ना हो तो मर्द भी नहीं। नारी राज करती है, हमेशा किया है और करती रहेगी। अच्छा अच्छा, बंद करो ये एंटरटेनमेंट और डिबेट जारी रखो। ये डिबेट ही तो थी। चलो ये तो पता लग गया कि इस युग की लड़कियों की सोच क्या है। तुम्हारे लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदने जा रहा हूँ, अपने हाथों से पहनाऊंगा। ठीक 7 बजे तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा। I kiss you. I love you.
सर, दो बार बत्ती ऑन हुई सर, रूमी उनकी फेवरेट बन रही है, कमाल की स्टार बनेगी सर, उसकी सेक्स अपील बहुत भारी है उनको। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हंसा और मैंने इस नए साल को अमर कर दिया है, हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। थैंक यू। भाई दाद देते हम तुम्हारे चॉइस की रोहन, जो सुरूर हंसा की आंखों में है, आंखों में वो इस जाम में भी नहीं। हे, ये पार्टी और ये घड़ी, तुम दोनों को टोस्ट करना चाहती? हम अपनी आंखों से ही टोस्ट कर दें तो? वाह वाह वाह, क्या बात कही है, वाह क्या बात कही है। अगर जिगर मुरादाबादी जी जिंदा होते तो कहते कि साकी की हर निगाह पर बलखा के पी गया और तौबा को तोड़ ताड़ के ठर्रा के पी गया। अब आप कहिए, आपके पास कोई जवाब है इसका? अगर हरवंश बच्चन साहब यहाँ होते तो कहते, मुझे पिलाने लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला, इतनी पी जाने से अच्छा है सागर की ले प्यास मरूं। क्या बात कही है, वाह 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 वाह। आगे मैं कहूँ? इरशाद, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं और तुम मंदिर की मधुशाला। अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला। वाँ, 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 आउट। विकी साहब, क्या होगा इस देश का भूलू? ओह, बहुत कम सिगरेट पीता हूँ लेकिन आज पीना पड़ रहा है। भग जाओ। देख, तेरा यमदूत आ गया। छुड़ा भोग दिया किसको? पुलिस कमिश्नर के बेटे को। किसने? अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे ने। तेरी लाश ठंडी पड़ेगी तो शांति की नींद सोऊंगा। अब पता चलेगा तेरे बाप को किसी को बिना वजह गिरफ्तार करने का हशर क्या होता है। हरामी की औलाद है। बोल, अब किसकी चलेगी इस शहर में, तुम पुलिस वालों की है या मेरे बाबा की जो पूरे शहर का दादा है? तुम लोगों का बाप है वो, गॉडफादर, प्रोटेक्टर, रक्षा करता तुम सालों की। प्रोटेक्ट नहीं, एक्सट्रॉट करता तेरा बाप, छीनता है पैसे सबसे। पुलिस को कभी नामर्द नहीं समझना। हाँ, अबे साले, तेरे बाप जैसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन आएंगे और जाएंगे और उनका अंजाम भी तेरे जैसा ही होगा। सरकार से कभी टक्कर नहीं लेना। तेरी सरकार से ही टक्कर लेगा मेरा बाप, उसे एक बार जेल से बाहर तो आने दे, इस बार इलेक्शन में सरकार बनाने में उसी का ही हाथ तो होगा। चाकू, खून खराबा, वायलेंस, बहुत मेहनत कर सर। हंसा, कहाँ जा रही हो? रोहन कहाँ है? अरे मैं तो तुम्हारे पास हूँ। हाँ, मुझे सपना है कि तुम मुझसे कहीं दूर चले गए हो। कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम भूल गई? हमें कल कश्मीर जाना है। रोहन, देखो क्या घोर अत्याचार हो रहा है उधर। ओह, देखा नहीं जा रहा। ले आओ उन्हें, अब फेंक दो यहाँ। किसी को मत बख्शो और भून डालो सबको। और छोड़ दो इनकी लाशें यहीं। या
खुदा ऐसे जुल्म करने वालों को इस जमीन से उठा ले। चलो निकल भागो यहाँ से और देखने दो इस गांव के सारे पंडितों को ये सब लाशें। हमारे कश्मीर की जमीन को छोड़कर नहीं भागोगे तो आप सबका भी यही हशर होगा। भागोगे तो दूसरी गोली सीने पर लगेगी। भून डालो इन्हें, एक एक की अंतड़ियां बाहर निकाल दो। वैसे ही जैसे इन्होंने हमारे कश्मीर के इस गांव के लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल निकाल कर मौत की नींद सुला दिया। फायर! तुम्ही लीडर हो इनके। देखा देखा तुमने हमारे कब्जे में रखे हुए तुम्हारे तमाम उग्रवादी साथियों को कैसे हमने लाइन में खड़ा करके तुम्हारी आंखों के सामने मिट्टी में मिला दिया। तुम लोगों को सबक सिखाने का यही एक तरीका हमारी समझ में आया। देखो इन्हें। नहीं देखा जाता। और वो देखा जाता था जब तुमने और तुम्हारे जालिम साथियों ने मिलकर निहत्ते मर्दों को, औरतों को, दूध पीते बच्चों को उनके घरों से, उनके गांव से, उनकी जन्मभूमि से बाहर निकाल निकाल कर घसीट घसीट कर गोलियों से छलने बना दिया। हमारी आर्मी यूनिट आने में जरा लेट हो गई वरना तुम ये कत्लेआम तो कर ही नहीं सकते थे और तुम्हारे भागते हुए उग्रवादी भी धर लिए गए होते। देखो इस तरफ मट्टी में रुंधे हुए वो गांव वाले अपनी मौत में भी बिलख बिलख कर अपने भगवान से पूछ रहे होंगे कि हे भगवान हमें बताओ हमारी जन्मभूमि कौन सी है, कौन सी है वो धरती जहां हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सुख शांति की नींद सो सकते हैं। और अब देखो उस तरफ तुम्हारे अपने भी उसी नींद में सोए उसी अल्लाह से जवाब मांग रहे होंगे कि हमें बताओ या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, जवाब दो। इस धरती पर तुम्हारा अल्लाह बसता है या इस गांव में बसने वाले गरीबों का भगवान? और अगर जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो हमारे पास है। और सुन ले तुम्हारे सारे मिलिटेंट उग्रवादी घुसपैठिए साथी कि ये धरती अल्लाह की भी है, भगवान की भी है, क्राइस्ट की भी है, वाहे गुरु की भी है, जो यहां पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फला फूला उसी के दम पर ये धरती है, उसके ईमान के दम पर नहीं। हाँ अल्लाह, अल्लाह हमें बख्श दो, अल्लाह अल्लाह हमें बख्श दो, अल्लाह हमें बख्श दो, अल्लाह हमें बख्श दो। क्या क्या देख और सुन रहे हैं इन दिनों? हाँ रियली मुझे बहुत मारा पिटा, धक्के मार मार कर फेंक दिया। किसने? उसने। मैंने। और तुम भी उसे उठाकर उस खड्डे में फेंक दो ताकि वो हमारे साथ वापस ना जा सके। क्या किया है इसने तुम्हारे साथ? ये हमारे बराबर का नहीं। और तुम? हमारी जात बहुत ऊपर की है, बता रहा है हम तुम्हारे ऊपर होंगे, हम सब तुम पर राज करेंगे साले देख लेना। और तुम हमारे जूते और टट्टियां साफ करोगे? ए हमारे जूतों की मिट्टी हम तुम सबका भूल का बना देंगे। मार, 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 लड़ो मत बच्चों। रुको सबके सब। मैं थोड़े ही अरसे के लिए आप लोगों को छोड़कर गया और आप लोग फिर कुत्ता मुत्ता हो गए। ये बच्चे कौन हैं और कहां से आ रहे हैं भाई साहब? आपके सामने हमारे देश के बच्चे भिन्न भिन्न प्रांतों के, लेकिन मुश्किल तो यह है कि ज्यादातर एक दूसरे की भाषा नहीं समझते और इनमें से हर एक अपने आप को एक दूसरे से बड़ा और ऊंचा समझता है, इसलिए लड़ते हैं। इनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी, हर जाति का, हर धर्म का। मैंने हर प्रांत से एक एक अनाथ को चुना है और अपने ही स्थापित किए हुए स्कूल में ले जा रहा हूँ जहाँ मैंने इन्हें एकता और प्यार का सबक सिखाने का बीड़ा उठाया है। आपने भाषा तय कर ली जिसमें वो सबक होगा? मातृभाषा।
अभी तो इस देश में बहुत सी मातृभाषाएं होने जा रही हैं। आप किस मातृभाषा की बात कर रहे हैं? राष्ट्रभाषा हिंदी। राइट, उसका आना बहुत जरूरी है। लेकिन हिंदी के नाम से कुछ भड़क उठते हैं, फिर मैंने अंग्रेजी में डांटता हूँ तो शांत हो जाते हैं। इसका मतलब अभी तक गुलामी महसूस करते हैं, अंग्रेजी इन्फ्लुएंस में जकड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। वेरी राइट, और सदियों से इस देश में भी बोली पढ़ी और सीखी जाती है और उसे रहना भी चाहिए। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इनका सबक तीन भाषाओं में होगा, इनकी अपने प्रांत की भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। बिल्कुल ठीक। चलो हम सब के सब चलो। I say go, move. वहां मेरी बस खड़ी है जहां ये लोग गए हैं। मैं इसे यूनिटी बस कहता हूँ, जिसे मैंने खुद बनाया है और सजाया है और मैंने पेंट किया है। पहले मैं उस कंपनी में वेल्डर का काम करता था जिस कंपनी ने वो बस बनाई जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री अटल जी लाहौर पाकिस्तान गए। अच्छा। उस बस ने भारत और पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की और अब मैं उसी बस का वेल्डर इस देश और उसके बिखरे हुए प्रांतों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं, वरना कहीं ये देश भी यूरोप के जैसे बिखर ना जाए। विश मी लक, बच्चों से शुरू किया है, जल्दी मोल्ड हो जाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो गुलिस्तान रहा कहां, तोड़ फोड़ डाला पॉलिटिशियंस ने। हाँ। देखो कैसे संसद में टूट के पड़ते हैं एक दूसरे पे। फ्री फॉर ऑल, ये ये ये। और पार्लियामेंट में एक बॉक्सिंग रिंग भी होना चाहिए। ये ऑफ कोर्स, जब पार्लियामेंट में इतनी राजनीतिक पार्टियां होंगी तो लड़ेंगे ही तो। चलो अभी फाइटिंग का मूड छोड़ के रोमांस के मूड में आ जाते हैं। अभी सिर्फ देश से रोमांस करने का मूड है। एक सिगरेट और पीजिए सर, बत्ती फिर ऑन हुई। मैं एक कप चाय पी के आता हूँ बाहर से। एक नई यंग लोगों की पार्टी बनाएंगे। बनाएंगे और घिसे पिटे लोगों को नहीं आने देंगे पार्लियामेंट में। नहीं आने देंगे। और ऐसे लोगों को लाएंगे पार्लियामेंट में जिनकी शोभा से 21वीं सदी हमारे देश के पांव छुए और ये दुनिया महक महक जाए और फिर हम सब मिलके गाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सर आपको अंदर थिएटर में बुला रहे हैं। मैंने दूसरे पैकेट के भी पूरे सिगरेट पी डाले। कोई बात नहीं सर, अपनी फिल्म हिट होने वाली, क्या हिट हो गई है। 13 बार बत्ती जली सर। 13 बार लकी नंबर सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है विक्रमजीत साहब। थैंक यू। लेकिन आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा अडल्ट्स। यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकेंगे। नहीं 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 नहीं। और साथ में 13 मेजर कट्स। 13 मेजर कट्स, ये तो आपने बहुत बहुत अनलक्की नंबर फेंक दिया मेरी तरफ। वेल, कई से बहुत लकी भी समझते हैं। 4-5 और कट्स नोट किए थे कमिटी मेंबर्स ने, लेकिन फिर हमने आपस में लड़ झगड़ के छोड़ दिए। मुझे बगैर किसी कट के क्लीन यूज सर्टिफिकेट दिलवाइए मिस्टर श्रीवास्तव, वरना अभी धरना देकर यही जमीन पर बैठ जाऊंगा। हम सबको बहुत दुख होगा कि आपको जमीन पर बैठे छोड़ के चले गए। देखिए मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। खैर बताइए क्या क्या कट्स दे रहे हैं आप मुझे। पहला कट तो आपकी हीरोइन हंसा का है, जब वो अपने पूरे आकर्षण के साथ स्विमिंग पूल में है। जब शॉट की लाइटिंग तैयार हो जाए तो बुला लेना। अगर आपने हमारी कहानी अपनी पिक्चर में ढाल दी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लिखी है तो आपकी पिक्चर मास्टरपीस हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे इस तरह की कहानी की जरूरत नहीं है शौक साहब। आपको इससे अच्छी कहानी नहीं मिलेगी जनाब। बना डालिए इससे, साथ में गीत भी लिखें, लिरिक्स। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आपकी पिक्चर गोल्डन जुबली हो जाएगी। नहीं शौक साहब, ये मेरे मिजाज और स्टाइल को सूट नहीं करती है।
तो अपना स्टाइल बदलिए साहब। देखिए, मैंने अपना पूरा वक्त निकाल कर आपकी पूरी कहानी सुनी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बनाना चाहूंगा। तो फिर हमें अफसोस है कि आपको अफसोस होगा विक्रम साहब, हम तो बस इतना ही कह सकते हैं आधा वर्ष है। देखिए, ये सारे कट्स देकर आपने मेरे दिल पर छुरियां चला दी। क्या करें विक्रम साहब, आजकल सेंसर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप समझते हैं कि फिल्म को समाज का आईना होना चाहिए, तो क्या मैं समझूं कि आप उस आईने को देखने से घबराते हैं? इस वक्त हमारे हाथ में सेंसर का आईना भी तो है। तो फिर आप मानती हैं कि सेंसर का आईना जीवन का आईना नहीं? डिबेटेबल। प्लीज, मेरी फिल्म का गला मत घोटिए। मैं उस पर 15 करोड़ लगा चुका हूँ और आपके दिए हुए कट्स उसे इतना जख्मी कर देंगे कि वो हांफते हांफते बॉक्स ऑफिस पर सांस छोड़ देगी, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिए, मंगल के रोज आप अपने आदमी को हमारे ऑफिस में भेज दीजिएगा, हम अपना आखिरी फैसला उसे दे देंगे। राइट, मैं खुद आऊंगा लेने। चाय पिलाएंगी? जरूर, क्यों नहीं, एक नहीं 2 कप पिलाएंगे, वो भी सबसे बढ़िया इलायची वाली। ओके ओके। जैसे कड़क कड़क के बिजली चमके, वैसे चमक चमक के आए तू छम से। हम मैं नहीं, पीते हैं तुमको, तुम समाओ दिल में, देखो जो हमको। क्या बात है हुजूर, आज बहुत रंगीन और खुश नजर आ रहे हैं। आज एक ऐसी फिल्म देखी, वाह, कोई विक्रम साहब हैं, फिल्म के डायरेक्टर, झूमने को जी चाहता है। हमें नहीं ले जाते फिल्म दिखाने, पहले फिल्म सेंसर करनी पड़ती है जाने मन, उसके बाद इजाजत देते हैं दुनिया को दिखाने की। उस फिल्म में हमसे अच्छा क्या लगा होगा? तुम तो हमारी नजम हो ही, लेकिन जिस तरन्नुम से उस फिल्म की हीरोइन सामने आती है क्लोजअप में, उछाल उछाल कर सुभान अल्लाह। क्यों, कैसा लगा? परफेक्ट, कार्टविल। और ये कैसा लगा? परफेक्ट। आज सब जानते हैं घनश्याम मनोहर को, ये सारा ऑर्केस्ट्रा मेरा है, इसे मैं कंडक्ट करता हूं, और ये डिस्को क्लब भी मेरा है। वो देखिए, मेरा बेटा रोहित भी अपनी कला में कितना माहिर हो गया है। इस शहर के आधे से ज्यादा यंगस्टर्स तो इसी की वजह से आते हैं हमारे डिस्को में। देखिए कैसे नाचता और नचवाता है, बहुत बड़ा जबरदस्त पेयर हो गया इन दोनों का, दुनिया दीवानी है। मजा आ गया। अच्छा किया जाने मन जो तुमने हमें बुला लिया। अपना ख्याल रखा करो, सेठ साहब और कितने दिन बाहर रहने वाले हैं? कुछ दिन और भी। क्या बात है। अच्छा देखो, जब भी मुझे फोन करो पहले मेरी हेलो सुनो, उसके बाद जवाब दो। आपकी निशानी रखूंगी अपने पास, और मेरी निशानी आपके पास, इसमें मेरा इनिशियल है M. M for मधु। मेरा फेवरेट परफ्यूम है इसमें, पैशन। अरे मैं आपको मुबारकबाद देना तो भूल ही गई। किस बात की डार्लिंग? वो देखिए। आपकी बेटी इतना अच्छा नाचती है, मुझे तो मालूम ही नहीं था, कई बार हम दोनों ने एक दूसरे को सीने पर क्रॉस किया था। अच्छा मधु, फिर जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। हे राम 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 राम, ये दुनिया वाले उछालने वाले हैं कि पंडित शिव प्रसाद की बेटी उस नचैया को पार्टनर बनाकर डिस्को क्लब में। ओहो क्या, अरे जाकर देखो, मैंने अभी अभी आज रात को वो फिर ले जाने वाली है। अच्छी तरह बात तो समझाइए। आज सैटरडे नाइट है, सैटरडे नाइट, और सैटरडे नाइट को ही वो लेट आती है। क्या बोलते जा रहे हैं? अरे वो नचैया उसे टीवी पर नचा रहा है अभी। हे काली मैया। हाँ, मैं अभी देखती हूँ टीवी पर। नहीं देख पाओगी, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। क्या गुल खिला रही है वो? देखिए मैं भी तैयार होकर आती हूँ, मैं भी कहाँ जा रही हूँ। अरे कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, हमको शादी रिचाने जा रहे हैं क्या? चलो चलो ऐसे चलो चलो चलो। थैंक यू।
अपनी लड़की को इन भांडों के बीच में छोड़कर भागेंगे? हम भी हाथ मिलाना चाहेंगे। अरे आप आ गए सर, शहर के सबसे पॉपुलर डांस कपल से मिलिए सर। एक्सलेंट, इनके डैडी ही चलाते हैं ये डिस्को क्लब। अरे ये घनश्याम का बेटा है। अरे भाई घनश्याम, अरे भाई मुबारक हो, बहुत अरसे के बाद आए हो। विकी साहब, जॉनी आता रहता है। एक ही बात है, जॉनी से खबर मिलती रहती है तुम्हारी। एंजॉय योरसेल्फ। हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विक्रम साहब। हमने तो आपकी बहुत सारी फिल्में देखी है। वाह वाह, मुझे तो इनकी सारी पिक्चरों के नाम भी याद है। पहली और हम भी तो आप दोनों को देखकर झूम उठे। आप मुझे भी अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे? मैसेज कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। वेरी डांस भी गुड 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 वेरी गुड। क्या करते हैं तुम्हारे डैडी? समाज सुधारक है पंडित शिव प्रसाद जी। तुम पंडित शिव प्रसाद जी की बेटी हो? तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुमने ठीक ही कहा था, चलो निकल चले यहाँ से। इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी है। उस नामुराद बेशर्म डायरेक्टर को क्या मुंह दिखाएंगे जिसकी फिल्म हम सेंसर कर रहे हैं। आने दो लड़की को घर पर। जानबूझ कर दरवाजा खोल कर बैठे थे कि तुम्हारी मरम्मत करेंगे, चमड़ी उधेड़ेंगे तुम्हारी। वो लड़का कौन था? कहता था आपसे, मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हमारे घराने की पुरानी संस्कृति, हमारा कल्चर भूल गई क्या? तुमसे नाच नचवाने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बेहयाम, अपने खानदान, अपने माँ बाप की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर उसे पैरों तले रौंद रही है तू। सारा शहर मेरी खिल्ली उड़ा रहा होगा कि पंडित शिव प्रसाद की बेटी उस बैंड मास्टर के लफंगे बेटे के साथ मिलकर सारी दुनिया के सामने ऐसे ऐसे नाच दिखा रही है कि किसी वैश्य को भी शर्म आ जाए। और वो तमाशबीन फिल्म डायरेक्टर विक्की वहां क्या कर रहा था? उसके सामने कूले हिला हिला कर हंस हंस कर अपने नंगे शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। अगर वो लोफर डायरेक्टर मेरे सामने आ जाए तो शाम को तुझे टीवी में देखा और अब तुझे गंदी गंदी फिल्मों में देखे। अभी आपने मेरे पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। दुनिया भर का कैरेक्टर बिगाड़ रखा है इस फिल्म डायरेक्टर विक्की ने, और अब हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। हम इसकी फिल्म कभी भी सेंसर बोर्ड में पास नहीं होने देंगे। बंद करके रखेंगे तुझे इस कमरे में, कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। हाँ, और अगर कभी तुम बाहर जाओ तो दरवाजे को ताला लगाकर चाबी हमेशा अपनी जेब में रखना। तू कैद रहेगी इसी कमरे में। हाँ। राधा, राधा कैसी है मेरी राधा? तुम्हें इससे क्या, घड़ी देखो क्या बजे हैं, 2:30। बहुत लेट आते हो, कई कई दिन तो गायब रहते हो। कुछ होश भी है कि घर में बीवी है अकेली? हर रात डाइनिंग टेबल पर ही तुम्हारा इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। क्या बताऊँ, हमेशा घिरा रहता हूँ, यूनिट वाले पार्टी में खींच के ले गए। पता नहीं कब छूटेगा तुम्हारा ये फिल्मों का चक्कर, एक खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती है। बस बंद करो ये सिलसिला, फैमिली की तरफ भी ध्यान दो। कभी तुम्हें छोड़कर घर से चली गई ना, फिर याद करना। मेरे साथ इतना बड़ा मजाक तुम कर ही नहीं सकती। इतना प्यार बांटते रहते हो अपनी लीडिंग लेडीज पर, इतनी अटेंशन, और वो जो सुनती रहती हो उड़ती उड़ती अफवाह है, अखबारों में पिक्चर है कि विक्रम साहब कभी इस हीरोइन के साथ है, कभी उस लड़की के साथ। उसका थोड़ा सा हिस्सा अपनी बीवी के साथ भी बांट लिया करो। फिर आंसू, इसीलिए तो तुम मेरी बीवी हो कि तुम में वो जैसे आवारा के लिए सहन शक्ति है। देखो, बहुत पहले जब तुम शिमला गई थी मेरे साथ शूटिंग पे, मैं गिर गया था, मुझे घुटने पर चोट लगी थी, तुमने कितने प्यार से मंदिर में जाकर मेरे लिए प्रार्थना मांगी थी, और रास्ते में से ये छड़ी खरीद कर आई थी, इस पर भगवान का ओम लिखा हुआ है। जब भी तुम्हारी दी गई ये ओम वाली छड़ी मेरे पास होती है, मेरी रक्षा ही नहीं हुई बल्कि हमेशा हर काम में बेहद सफलता मिली है।
आज जब मेरी फिल्म सेंसर हुई तो मैं इसे दफ्तर में भूल आया था, मेरा सारा काम डामाडोल रहा। और फिर मुझे याद आया, अरे वो राहदा की दीवी छड़ी कहाँ है, उसे अपने साथ रखना चाहिए था। मैं भागता हुआ दौड़ता हुआ इसे दफ्तर से वापस ले आया, और अब इसके आशीर्वाद से कोई ऐसी खुशखबरी आने वाली है कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी आ जाएगी। मना लिया ना? इस फिल्म की रिलीज के बाद तुम्हें एक ऐसी लंबी हॉलीडे दूंगा, सिडनी से लॉस एंजलिस और मॉस्को से कन्याकुमारी तक, कि तुम हॉलीडे 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 कहती हुई थक नहीं पाओगी। बातें बनाने में माहिर हो, और मैं भी तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हूँ। उधर देखो, एक फैक्स आया है हॉलीवुड से। हॉलीवुड से? मैगी। मार्गरेट ट्रूमन। मैगी, विकी हियर। ओह हेलो विकी, मेरा फैक्स मिला? मिला। मैंने कुरियर से एंट्री फॉर्म भेज दिए हैं एकेडमी अवार्ड के लिए, अपनी फिल्म इसी हफ्ते एंटर कर दो। आहा, बहुत अच्छी लॉबी की है मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर। I honestly believe, sweetheart, इस साल के फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में तुम्हें अवार्ड मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। Oh, you make me so happy, Maggie. राधा, एक बहुत अच्छी खबर आई है। लेकिन फिल्म इसी हफ्ते एंटर होनी चाहिए विकी, 7 दिन के अंदर अंदर, वरना डेडलाइन खत्म हो जाएगी एंट्री की। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। 7 दिन के अंदर, लेकिन अभी तो सेंसर सर्टिफिकेट हाथ पे नहीं है। फॉरन ले लो, सेंसर वालों से कहो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर नॉमिनेशन कमेटी को तुम्हारी फिल्म पसंद आ गई तो दिस टाइम इंडिया की बारी हो सकती है एकेडमी अवार्ड के लिए। मेरे फैक्स का इंतजार करो मैगी। एज सर्टिफिकेट और साथ में 13 मेजर कार्ड्स, ये तो आपका वही फैसला है जो आपने उस रोज थिएटर में लिया था। कमेटी मेंबर्स का फैसला है? सब मेंबर्स का? मेजॉरिटी का? उस मेजॉरिटी में कौन कौन है? आप किसके साथ हैं? मैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं न्यूट्रल हूँ। तो फिर आप मेरा साथ दीजिए, आपके हाथ में सब कुछ है, वीटो। कमेटी मेंबर्स टस से मस न हुए और न होंगे। आपका वोट मुझे मिल जाए तो मेंबर्स का दिल भी बिगड़ सकता है। मुझे मेजॉरिटी की सुननी पड़ती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपकी इलायची वाली चाय। आप दिल से नहीं पिला रही हैं मिस श्रीवास्तव। चेयरमैन साहब से मिलना चाहूंगा। शो देखिए विक्रम साहब, या तो आप रिवाइजिंग कमेटी में जाइए या रीजनल ऑफिसर को कन्विंस कीजिए। आपने 2 कप चाय पिलाने को कहा था मिस श्रीवास्तव। दूसरा कप लाना, ये चाय ठंडी हो गई है। लेकिन आपके साथ। अच्छा, 2 कप लाना, बैठिए। आपका कुछ मन बदला हमारी फेवर में? आपको रिवाइजिंग कमेटी में जाना पड़ेगा। मुझे कमेटी मेंबर से मिलने, उनसे डिस्कस करने का एक और मौका दीजिए। क्यों नहीं, मैं उन्हें बुला लेती हूँ, आप बात करके देख लीजिए। मैं बताऊंगा आपको, जब तक आप इस पर साइन मत कीजिए प्लीज। ठीक है, तब तक मैं अपना सिग्नेचर होल्ड करती हूँ। ओके? अगर मैं बहुत बड़ी स्टार होती तो तुम कहाँ होते? तुम्हारी गोद में। हेलो। पहले आवाज पहचानो। मुझे मालूम था कि तुम मुझे फोन करोगे। क्या कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, मेरा मंगेतर। कुछ पुरानी बातें भी याद हैं कि नहीं? सब कुछ याद है। मिलना चाहोगी? कौन है? मिस अंडरस्टैंड तो नहीं करोगे अगर मैं विकी को एक बार मिलूं तो? कौन विकी? मैं तुम्हें सब कुछ तो बता चुकी हूँ। ओह, गो अहेड। तो तुम्हें मेरा वोट चाहिए अपनी फिल्म को क्लीन पास करवाने के लिए। पहले ये बताओ कि तुम्हें फिल्म कैसी लगी? बहुत फैंटास्टिक, अ विनर मैदान मारेगी। और दूसरे बोर्ड मेंबर्स को? शौक साहब और पंडित महाराज इसको अकेले देखते तो तुम्हें सर्टिफिकेट ही नहीं देते।
और रीजनल ऑफिसर का रुख किस तरफ था? जो उसने अपने ऑर्डर में लिखा। और तुम? अगर मैं तुम्हारा साथ देती तो तुम थ्रू थे क्लीन यू सर्टिफिकेट, क्योंकि बाकी के दो मेंबर्स तुम्हारे लिए लड़े। मैं अब भी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ विकी, मेरे लिए कहानी लिखो, मैं तुम्हारे लिए वोट करूंगी। प्रोफेशनली मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो फिर आखिरी बार गुड बाय। हेलो पंडित शिव प्रसाद जी। कौन सा बोल रहे हैं आप? मैं फिल्म आने वाला कल का डायरेक्टर विक्रमजीत बोल रहा हूँ। तुम्हारे दूसरे कारनामे भी सुने हैं हमने, हमारी बेटी को बरगला रहे थे तुम। आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपसे मिलकर अपनी फिल्म के बारे में कुछ और बहस करना चाहता हूँ। अपनी फिल्म की बात मत करो मिस्टर विक्रम, उसे देखते देखते तो हमारी आंखें मारे शर्म के बंद हो गईं। अगर यही आने वाला कल है तो जो कल था वही अच्छा था। क्या मक्खी भिन भिन आ रही है? एम क्या अशकी शहर आया हमारे दिमाग में? ओफो, हमारे टेलीफोन को भी चैन नहीं। जी हाँ नसीरुद्दीन शौक, फरमाइए। शौक साहब, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, आपने मेरी फिल्म आने वाला कल देखी थी? अरे बस साहब, क्या उम्दा फिल्म बनाई है आपने, हमें तो बड़ा लुत्फ आया देखकर। तो फिर आप क्यों नहीं मेरे लिए वोट करते? अगर आप हाँ कहें तो मेरा पलड़ा भारी हो सकता है। अगर आपने कभी हमारी कहानी ली होती फिल्म आने के लिए बंदा परवर, तो हम आपका पलड़ा हमेशा भारी रखते। अभी तो आपको मुश्किल पड़ जाएगी जनाब, सेंसर हमारे हाथ में है। याद है ना आज शाम मिसेस गिरधारी लाल की पार्टी में जाना? मेरी आंटी मिसेस गिरधारी लाल। बस नाम ही की आंटी हूँ, पहली बार मिलने आई है। इसके डैडी अक्सर कलकत्ता से फोन करके पूछते रहते हैं रूमी मिलने आती है कि नहीं। आप तो हमेशा फॉरेन टूर पे रहती हो आंटी, जब भी फोन करो आंटी मेम साहब इंडिया से बाहर। कब रिलीज होने जा रही है आपकी फिल्म? भाई अभी तो सेंसर में फंसी है। शौक साहब आने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कब इजाजत दे रहे हैं इनकी फिल्म को पब्लिक के सामने आने की। सेंसर की रीजनल ऑफिसर मिसेस श्रीवास्तवा आती रहती है हमारे घर में, खास तौर पे जब मैं कवाली के प्रोग्राम रखती हूँ। अभी हाल ही में 3 कवाली के प्रोग्राम रखे थे और तीनों में आई वो। बहुत शौक है उन्हें कवाली का, अगर आज भी मैं कवाली का प्रोग्राम रखती ना तो वो जरूर आती। इतना शौक है उन्हें, कर कहीं भी कोई भी नामी कवाल गा रहा हो ना तो वो आपको जरूर नजर आएंगी। रीजनल ऑफिसर को थोड़ी इम्पोर्टेंस दो, सर्टिफिकेट हाथ में होगा, उसे इनवाइट करो। इनविटेशन का भी तो कोई बहाना चाहिए, कोई खास अवसर तलाश करो वो अवसर। ढूंढो अपने मन से। हमारी शादी कब हुई थी? अरे कल हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। कव्वाली का इनविटेशन जाएगा। गुड मॉर्निंग मिस श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग विक्रम साहब, आइए आइए बैठिए। क्या सोचा आपने, कमिटी मेंबर्स के साथ डिस्कशन करनी है या मैं साइन कर दूं इस ऑर्डर पे? अभी नहीं, पहले इलायची वाली चाय। जरूर चाय ला। और फिर ये क्या है? इनविटेशन डिनर के लिए, हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ है, कल हमारे घर पे, आपको आना होगा। कल मेरा आना मुश्किल है। देखिए सेंटीमेंटल बात है, मेरी मिसेस की खास रिक्वेस्ट है, वो खुद आ रही थी आपको इनवाइट करने। अच्छा, उन्हें और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन कल इम्पॉसिबल। बहुत से लोगों के दिल टूटेंगे अगर आप ना आए तो। ऐसी भी क्या बात है? ऐसी ही बात है, एक खास कवाल अपने कवालियां पेश कर रहे हैं, उनकी उनके साथियों की दिली ख्वाहिश है कि आप उनके बीच होंगी तो समा खूब बंधेगा, क्योंकि आप कवालियों के कद्रदान हैं। जी हाँ, ऐसे कौन से कवाल हैं जिन्होंने महफिल जमाई हो और हमें उसमें ना पाया हो? बिस्मिल्लाह खान साहब नए हैं, बहुत ऊपर आ रहे हैं, आप उनके चचा जान को सुन चुकी हैं? कौन चचा जान?
मैं नाम भूल रहा हूँ, खुद ही आपको बताएंगे। आपने उन्हें सुनकर बहुत दाद दी थी कि उन्होंने आपकी तारीफों के पुल बांध दिए थे अपने भतीजे के सामने। हाँ, गाने वाला तो गाता ही है, लेकिन महफिल तो सुनने वाले ही जमाते हैं। इसीलिए भतीजा साहब इंसिस्ट कर रहे हैं कि मिस श्रीवास्तव के सामने जरूर गाना है। तो फिर मैं कुछ ही अरसे के लिए आऊंगी, जस्ट फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। ओके, थैंक यू मिस श्रीवास्तव। यू आर वेलकम। अब मजा आ गया इलायची की चाय पीने का। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों। थैंक यू। भाई आपने तो बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी दी है वेडिंग एनिवर्सरी की। मानती कहाँ थी हमारी धर्मपत्नी, हमेशा हमसे नाराज रहती है, बड़ी पैंपरिंग के बाद मानी। 25 साल में एक ही बार तो पैंपर किया है आपने मुझे। यही वजह है कि सबको हमने इनविटेशंस इतना लेट भेजे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अरे मिठाई, अपने हाथ से मुंह मीठा करो मिस श्रीवास्तव को। हम साहब अपने खास सुनने वालों का फूलों से स्वागत करते हैं और इतर की हवाओं से भी। ये दोनों शागिर्द हैं बिस्मिल्ला साहब के, एकदम कड़कती बिजली की तरह। अरे विक्रम साहब, ये आपके आने वाले कल के स्टार्स तो नहीं? जी। आपने पहचानने में बहुत देर लगा दी। वाकई में। मैंने इन दोनों को एक अखबारी प्रोग्राम में खान साहब के साथ शरीक होते देखा और सुना। हाँ। और अपनी फिल्मी कास्ट कर दिया। वो देखो बिस्मिल्ला खान साहब भी तशरीफ ले आए। आदाब अर्ज़। बिस्मिल्ला खान साहब, आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़। आदाब, मिलिए, ये हैं मिस श्रीवास्तव। माशाल्लाह मिस श्रीवास्तव जी। हा हा, मूड आ गया ईमान से। अरे मेरे बच्चे, आग लगा दो, प्रोग्राम शुरू कर दो। Yeah.
सभी कवालों का रंग पाया है हमने आपके अंदाज में। अरे साहब, अभी तो छोटा सा चुटकुला छोड़ा है ट्रेलर, अब और जरा गर्मी आ जाए तो फिर आगे सुनिएगा। नहीं, अब मैं आगे चाहूंगी, बस कुछ ही अरसे के लिए आई थी, लेकिन आपने अपने जादू से क्या समा बांध के रखा है, वाह वाह। अच्छा विकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, जाने से पहले पान तो खाती जाइए, लखनऊ से मंगवाए। लखनऊ से? जी जनाब, फिर तो बैठना ही पड़ेगा। हां साहब की खास फरमाइश थी। राधा, पान ला रही है? बस एक ही आदत है, लखनऊ के पान। बड़ी लजीज आदत है साहब। वही तो, हल्का सा चूना, हल्का सा कत्ता, कुछ खुशबू हमेशा साथ रखता हूँ पान। लेकिन कमबख्त इस शहर में आते ही जैसे पान की डिबिया थैली में डाली और वो थैली इन जैसे खूबसूरत कदरदान के हाथ लग गई, बस वो उस थैली को होटल में दबा के ऐसी भागी, ऐसी भागी, ऐसी भागी। आपसे महफिल जगमगा उठी खान साहब। आपने भी तो कमाल की फिल्म बनाई विक्की साहब, हमने तो देखकर ही कह दिया पब्लिक फूलों को हार पहनाई पर्दे पर। आपने देखी मिस श्रीवास्तव? इनको भी तो बहुत पसंद आई भाई, फिल्म तो आपने वाकई लाजवाब बनाई है। बस हमें सपोर्ट कीजिए, सेंसर सर्टिफिकेट चाहिए। तो लीजिए ना, मैं अभी साइन कर देती हूँ बगैर किसी कट के। आप ऐसा कीजिए, रिवाइजिंग कमेटी में जाइए। वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकेगी अगर अभी अगले कुछ दिनों में एंटर ना की गई। आप किसी बोर्ड मेंबर की वोट ले लीजिए, मैं सर्टिफिकेट दे देती हूँ। आप अपना खुद का वोट क्यों नहीं देते हैं? तो भी आपके लिए 3 फॉर और 3 अगेंस्ट होंगे। लेकिन सरकारी ताकत आपके हाथ में है, आप सबको ओवररूल कर सकते हैं। मैं केवल एक सरकारी अफसर हूँ, कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो सकती उससे है। क्या होता है? ये लीजिए। शुक्रिया। कहीं मेरी नौकरी चली गई तो मुझे लखनऊ में बैठकर पान बेचने का धंधा शुरू करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपका साथ देंगे। नहीं विक्की साहब, आपको हमारा फैसला कड़वा जरूर लग रहा होगा, या तो इसे मानिए या फिर रिवाइजिंग कमेटी में जाइए। हमने अपने भगवान से भी कुछ इस तरह मांगा होता तो वो भी सुनते। काश कि मैं भगवान होती। अच्छा विक्रम साहब, आपने बहुत मीठा और लजीज पान खिलाया है, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा राधा जी, थैंक यू।
आप रिवाइजिंग कमेटी के सामने जाने से क्यों घबराते हैं? मेरी फिल्म इस साल के वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड के लिए इनवाइट की गई है। मेरे पास सिर्फ 5 दिन है उसे एंटर करने के लिए। I'm racing against time। तो हम आज ही दूसरी कमेटी फिक्स करके आपकी फिल्म दिखा देते हैं। आपकी चुनी गई दूसरी कमेटी पर पहली कमेटी के फैसले का असर पड़ सकता है। कमेटी तो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स में से ही चुनी जाएगी। आप खुद क्यों नहीं देखते? तो ठीक है, सारे फॉर्मल प्रोसीजर्स को पीछे रखकर मैं आज ही दिल्ली में आपकी फिल्म देख सकता हूँ। थैंक यू, मैं फिल्म साथ लाया हूँ। कब से देख रहा हूँ साहब, बहुत बेचैन है। अंदर इम्तिहान का नतीजा निकल रहा हो तो बेचैनी नहीं होगी क्या? विक्रम साहब, सर विक्रम साहब, आपकी फिल्म में मुठभेड़ है हमारी प्राचीन सभ्यता की आज के नौजवान कल्चर के साथ, और जो कल आने वाला कल्चर है 21वीं सदी का, जो हमारे दरवाजे पे खटखटा रहा है। इसी से तो लड़ाई है हमारी पीढ़ी की। हमारे सिद्धांतों से टकराते आपके कुछ सीन्स और शॉट्स, टू बोल्ड, इसलिए वो 13 कट्स तो रहेंगे ही। इसके अलावा हमने 5 और कट्स नोट किए जो पहले बोर्ड मेंबर्स ने आपस की बहस में शायद नजरअंदाज किए हैं। दिखा दो। ये आपका आखिरी फैसला सर? जी हाँ। जबरदस्ती कर रहे हैं? जैसा आप समझे। मेरी फिल्म बिगड़ जाएगी सर। या तो ए सर्टिफिकेट हमारे तमाम कट्स के साथ, और या फिलहाल हमारी तरफ से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी सर, मेरे लिए कुछ और सेवा हो तो जरूर कहिएगा। विक्रम साहब, कोई स्टेटमेंट दीजिए। कोई स्टेटमेंट नहीं सिवाय इसके कि आप मेरी फिल्म नहीं देख सकेंगे। हम पढ़ने सुनने और देखने वालों को क्या कहें? कह दीजिए कि एक माचिस की तीली ही होती है जो सारे जंगल में आग लगा सकती है। आग लगेगी तो काट क्यों नहीं देते फिल्म से वो जो कहते हैं? अपनी फिल्म की आत्मा को काट दूं, उसकी हत्या कर डालूं? मेरा मोबाइल कहाँ है? तुम्हारी पैंट की पिछली जेब में ही तो है। मुझे दिल से निकाल देते हो तो तुम्हारे साथ यही होता है। मार्गरेट ट्रूमन। मैगी। ओह हेलो। यस स्वीटहार्ट। अभी तुम लॉस एंजेलिस में ही हो ना? ऑफ कोर्स, वेरी मच। मैं आ रहा हूँ अगले 24 घंटों में। I'd love that. और तुम्हारी फिल्म? तो मुझे फैक्स करने वाले थे। बस जस्ट वेट फॉर मी मैगी। बस अभी आने वाले। उनके आने का समय तो हो गया। हाँ, वो आ गए वंशी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। कम इन। Welcome to LA, Vicky. Great being in LA. Some flowers for you, Maggie. Oh, thank you so much. पहले कभी LA आए हो? सिर्फ एक बार पहले जन्म में, वो भी मैगी से मिलने। Oh, you're such a sweetheart. क्या सच है कि सरकार विक्रम साहब की फिल्म बैन कर रही है? प्रेस क्या बहुत जल्दी में है कि वो फिल्म बैन हो जाए? दुनिया जानना चाहती है, उसे देखना चाहती है। जनता के होटल पर सिर्फ एक ही विषय है। तो ये सवाल आप विक्रम साहब से क्यों नहीं पूछते? एक तो तुम्हें अपनी फिल्म का पार्टनर बना रहा हूँ, को प्रोड्यूसर। व्हाई? तुम उसे सीधा यहीं अमेरिका से एकेडमी अवार्ड के लिए एंटर कर सकती हो, और इंडिया की कोई संस्था उसे रोक नहीं सकेगी। दूसरा, इंडिया से फिल्म का एक प्रिंट स्मगल करके यहाँ ले आया हूँ। ये प्रिंट यहाँ अंग्रेजी में सबटाइटल होगा, जिसे अवार्ड्स की नॉमिनेशन कमेटी देखेगी। You're a genius. और मैं इंडिया में अपने सेंसर बोर्ड के साथ अदालत में लड़ूंगा। You have a censor problem. लेकिन कानून के खिलाफ, against the law of your own country. इस समय अपनी फिल्म के लिए जेल जाना भी अपना धर्म समझता हूँ। Bravo, Vicky. I admire your convictions. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Thank you. लेकिन इंडिया वापस जाने से पहले तुम अपने कुछ प्रेस और टेलीविजन इंटरव्यूज छोड़कर जाओ। Nice meeting you, ladies and gentlemen. सबसे पहले जी टीवी और सारे एशियन हिंदी और उर्दू लिसनर्स के लिए आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ कहिए। इसमें आप जीवन की सच्चाई पाएंगे, दूरदर्शी है। इसकी थीम और इसकी कहानी क्या है? इसमें हमारे देश के भविष्य की झांकी है। इस फिल्म में इंडिया की पुरानी, नई और बिल्कुल नई
बढ़ने वाली सोसाइटी का आपस में खींचा तानी का नक्शा नजर आता है। फ्यूचरिस्टिक। अच्छा, दिल्ली में फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद क्या उन्होंने सेंसर ऑफिस फोन किया था? एनी इन्फॉर्मेशन मिस श्रीवास्तव? नहीं सर। करना क्या चाहते हैं? कोर्ट में जाएंगे? लगता तो है। हाँ जा रहे हैं सर। जाने दीजिए कोर्ट में, हम भी तो बैठे होंगे वहाँ, धज्जियाँ उड़ा देंगे उसकी। शौक साहब और मैं सेंसर बोर्ड की रीढ़ की हड्डी है, मंत्री साहब सबसे पुराने मेंबर्स। हेलो जी, बेटी घर से गायब हो गई है। बेटी गायब हो गई? अरे क्या हुआ पंडित जी? क्षमा कीजिए, मुझे जाना होगा। मेरी बेटी गायब हो गई है। मुझे मारा पीटा, 2 दिन कमरे में बंद रखा। क्या? ये देखो, बहू पे बेट की निशान, सब तुम्हारे लिए। I love you, मोहिनी। आज माँ घर से बाहर निकली तो गलती से टेलीफोन की चाबी और घर की चाबी टेबल पर छोड़ कर चली गई। रोना बंद करो। और मैंने तुम्हें फोन किया और यहाँ तुम्हें बुला लिया। मैंने कहा ना रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कितना मिस किया कल रात मैंने तुम्हें डिस्को में। मुझसे कितना प्यार करते हो रोहित। जितना मैं खुद से भी नहीं करता। तो फिर मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मम्मी डैडी इल्जाम लगाएंगे कि रोहित उनकी बेटी को भगा कर ले गया। बल्कि जाकर कह दो उनसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। अगर गुस्सा या सख्ती से पेश आए तो गुड बाय कहकर चली आना, ये बोलकर कि तुम और रोहित एक दूसरे का हाथ थाम कर एक ही राह पर चलेंगे। I love you, Rohit. मोहिनी, देख नहीं रहे कि वो भाग गई? अरे यही तो जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ। पता नहीं मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। हमेशा चाबी अपने पल्लू से बांध के रखती थी कि उसके हाथ ना लग जाए और वो भाग खड़ी हो। वही हुआ, मैंने चाबी निकाल कर टेलीफोन की चाबी के साथ रखी थी। फिर पंसारी की दुकान से तेल का डिब्बा लेने गई, चाबी उठाना भूल गई कि बस लो वो आ गई। कहाँ गई थी? रोहित से मिलने। शर्म के मारे समुंदर में डूब मरो। रोहित और मैं शादी कर रहे हैं। न जाने पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए थे कि तू एक डिस्को डांसर के साथ अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करने जा रही है। मैं अपना सामान बांधकर अभी निकल जाऊंगी अगर आपको ये शादी पसंद नहीं है। कैसे निकल जाएगी, हम टांगे नहीं तोड़ देंगे तेरी। अब की बार हाथ तो लगा कर देखिए मुझे, 18 बरस की ऊपर की हो चुकी हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। मेरा जो जी चाहेगा वही करूंगी, जिसके साथ जाना चाहूंगी जाऊंगी। रोहित और मैंने शादी पक्की कर ली है। देखता हूँ कैसे शादी करेगी तू। कोई पंडित नहीं आएगा तुझे साथ फेरे दिलवाने के लिए। मेरा नाम भी पंडित शिव प्रसाद है, सारे मेरी बरादरी के हैं। कोई भी पंडित तुझे हवन कुंड के पास नहीं बिठाएगा। और ढंग से भी शादी हो सकती है, रोहित और मैं दोनों मॉडर्न हैं, लोग सिविल मैरिज नहीं करते क्या? हाय सत्यानाश हो इन दोनों का। गुड बाय। जब हमारी पिक्चर रिलीज होगी तब हमारा बैनर भी इसी जगह लगेगा। और जुहू की सारी पब्लिक हमारे आसपास होगी और हमारी उंगलियां थक जाएंगी ऑटोग्राफ देते देते। खाप पे खाप देखते रहो तुम दोनों। हे जॉनी, अरे 2 बजने को है, पता है 2 बजे विक्की साहब की अमेरिका से वापसी की फ्लाइट है। अरे हमको तो एयरपोर्ट पे होना चाहता अभी है। नहीं बच गए हैं, तुम लोगों की घड़ियां वक्त से पीछे है भाई। कोई टैक्सी ढूंढो, टैक्सी। मुझे भी क्या भूत सवार हो गया जो धूप में नारियल का पानी पीने क्यों आ गया। टैक्सी नहीं, रिक्शा रिक्शा। अरे विक्की साहब की गाड़ी, हम तो लेट हो गए। हां हां उनकी गाड़ी। ओ विक्की साहब, विक्की साहब, विक्की साहब। हां अरे तुम लोग रिक्शा में कहां भागे चले जा रहे हो? आपको रिसीव कर रहे सर। वेलकम बैक टू मुंबई विक्की। सॉरी हम लोग लेट हो गए सर, हमें अपनी घड़ियां उतार कर समंदर में फेंक देनी चाहिए। और मैं भी आपके लिए नई सदी की घड़ियां खरीद के लाया हूँ अमेरिका से। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम सेंसर से लड़ने के लिए अपनी फिल्म को कोर्ट में ले जा रहे हैं और आप मुझे मॉरल सपोर्ट देंगे। आ जाओ, हम आपके साथ हैं सर। और हमने भी अपने सारे रास्ते साफ कर रखे हैं, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या होगा शकीला भानो, कदर करने वालों की तरफ देखो। अरे हम लुटाने आए शकीला भानो, लुट लो जितना लुटना है। अरे पैसा कोई मायने नहीं रखता,
अगर कोई बिजनेस हो जाए हमारे साथ। कैसा बिजनेस? आपको पैसों से मतलब है या बिजनेस से? पहले पैसा, पैसे से ही तो बिजनेस है। हमारे नसीब कि आप जैसे फिल्म डायरेक्टर ने हमारे यहाँ कदम रखा। और हम भी बहुत सुन के आए हैं ग्रेट शकीला बानो के बारे में। आप एक फिल्म बनाना चाहते हैं? जिसे सारी दुनिया देखे टीवी पर, और आपका सितारा। मेरी तो शुरू से ही तमन्ना थी, किसी भी सितारे से कम नहीं हूँ मैं। आप तशरीफ तो रखिए। कभी फुर्सत से बैठेंगे आपके साथ, फिलहाल कुछ लेन देन की बात हो जाए कि आप जैसे सितारे का कैमरा में झील मिलाने का क्या दाम होना चाहिए, आप चेक से लेंगी या कैश से? आधा माल एडवांस में मिल सकता है कैश। मुझे क्या क्या करना होगा? बस हमारे कैमरा के साथ साथ रहना होगा। यही तो कब से ख्वाहिश रही है मेरी कि कभी कैमरा भी शकीला के साथ इश्क करे। मैं चिपक जाऊंगी कैमरे के साथ। जानते थे ये आपका टोकन। ले लो। सबसे पहले तो हम आपको यहीं कैच करेंगे जहां आप नाचती हैं, आपके नशे में झूमते हुए आपके परवानों के साथ। आप देखिए तो सही मैं क्या अदायगी दिखाती हूँ। परफॉर्मेंस। मैं चाहूंगा आप कोई इंटीमेट शॉट भी दें, कोई इश्क और मोहब्बत वाले अपने किसी खास खास दोस्त के साथ। लव सीन। मैं अपनी जान दे दूंगी। आप बताइए तो सही क्या करना है और कब? क्या बात है जाने भाई। हेलो, कोई बात ही नहीं करता है। अबकी बार मैं उठाता हूँ। हेलो, मैं मधु ऊपर से। ठीक है। कौन था? ऐसे ही कोई, कई आते हैं फोन। बोर्ड का मेंबर हूँ ना। कौन है? शादी और रिसेप्शन का निमंत्रण है जी। किसकी शादी भैया? यही टेबल पे रख दो जी। आप दोनों के शादी और फिर रिसेप्शन पे होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद कहिएगा। आप पढ़कर तो देखिए, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। डिस्को क्लब के चीफ बैंड मास्टर मनोहर घनश्याम के सुपुत्र रोहित घनश्याम की शादी के शुभ अवसर पर वहाँ के सारे ऑर्केस्ट्रा वाले आपको निमंत्रण देते हैं कि अपनी सुपुत्री मोहिनी और उनके जीवन साथी रोहित घनश्याम को आकर आशीर्वाद दे। हे भगवान, क्या यही दिन दिखाना था? बच्चों की शादी मुबारक हो घनश्याम। विक्की साहब ने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने कहा कि शादी में नहीं आए तो रिश्ते पे जरूर आऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोहित और मोहिनी मेरे बेटा बेटी के समान हैं। साथ फेरे तो हो रहे हैं, लेकिन बेटी का पिता नहीं आया कन्यादान के लिए। तो हम किस लिए यार? मैं करूंगा कन्यादान। मैंने ऐसे से लोगों को इस वेडिंग की रिसेप्शन पे बुलाया है, अगर वो आ जाएं, तो जलती हुई फुलझड़ियों का हंगामा होगा। आज शाम पंडित शिव प्रसाद की बेटी की शादी का रिसेप्शन है, जरा बन ठन के जाना चाहिए। बहुत इतर वितर लगा रहे हैं आप। पब्लिक में जा रहे हैं। भाई वाह, मजा आ गया। मेरा आशीर्वाद, आप दोनों हमेशा सुखी और खुश रहो। अच्छा घनश्याम, मुझे आ गया तो एक्सक्यूज मी। आइए आइए
अशोक साहब, आदाब आदाब बेगम साहिबा, बड़ी मुद्दत से मिलने की आरज़ू थी आपसे। क्या खुशबू लेकर आए आप दोनों। अरे भाई, पंडित शिव प्रसाद की बेटी की शादी का रिसेप्शन है, इससे खुशबूदार मकान क्या होगा? क्यों बेगम साहिबा? अरे पंडित भाई कहाँ हो? अरे भाई शौक साहब, कोई शेर हो जाए। क्यों नहीं, जल्दी पहना दो डार्लिंग, कहीं नीचे हमारी धर्म पत्नी की अपने ध्यान से आंख खुल गई तो। सुनिए, कहाँ चले गए? ऊपर किसके साथ थे? किसी के साथ नहीं। फिर किस लिए गए थे? ऐसे ऊपर टेरेस पे गया था। इतर लगा के? ये खुशबू इस घर की नहीं तो इसकी है। ये रुमाल किसका है? मुझे क्या पता, आपकी जेब से निकला था। अच्छा। और ये एम एम कौन है? तू पागल है क्या? चौथे माले वाली मधु से मिलके आ रहे हैं? मैं चुप नहीं बैठूंगी। भाई हम तो चुटकुलों में खो गए, पंडित जी कहीं नजर नहीं आ रहे। तब तक दूल्हा दुल्हन को दुआ दे। आइए आइए आइए, दूल्हा दुल्हन तो वहां लोगों में गिरे हुए, तब तक वहां देखिए साहब। बहुत से लोगों को आपसे मिलने का इश्तियाक है। आज हम आपकी खास हमारे लिए लिखी हुई नज़म पेश करेंगे। हम तुम हुए, तुम हम हुए, जन्नत और जहां दोनों गुम हुए। मरहबा मरहबा, ये फूल आपके लिए। फूल वहां क्या फेंक रहे हैं, जाकर दूल्हा दुल्हन के हाथों में दीजिए। हाँ बेगम साहिबा, आप कभी मिली हैं शकीला बानो जी से? अभी मिलवाया कहाँ है शौक साहब ने। अब पता चला वो नज़मे किसके लिए लिखी और पढ़ी जाती थी टेलीफोन पर। तुम खामखा तेवर दिखा रही हो बेगम। आधी आधी रात तक गायब रहते हो, यही है वो मास्टर नहीं जो बच्चों के स्कूल में सबक सिखाती है? सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे, खामखा मजाक कर रहे हैं। क्या तेवर चढ़ गया हमारी बेगम का, क्या भूत सवार हो गया उस पर? भूत सवार हुआ है आपके सर पर, इश्क का भूत। तुम्हारा पारा हद से बढ़ रहा है इस वक्त, चलकर बात करते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, चाहिए उसके कमरे में बैठकर उसके साथ चाय री कीजिए। हमारी बेगम जरा पागल सी हो गई है। अरे अपने दिमाग को जरा ठंडा करो बेगम। शौक साहब, आपने पंडित शिव प्रसाद जी को अभी तक बधाई नहीं दी। अरे भाई पंडित जी से कहना कि शौक साहब अपनी शुभकामनाएं छोड़ गए। अरे हाँ, उनसे कहना कि हम जरा क्राइसिस में हैं। खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। वैसे खबर आई है कि पंडित शिव प्रसाद जी भी तशरीफ नहीं ला रहे हैं, थोड़े वो भी क्राइसिस में हैं। मैं दृढ़ विश्वास लेके आया हूं कि आज अदालत में मुझे सफलता प्राप्त होगी। ऑटोग्राफ प्लीज। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं विक्की साहब। आप मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, देखिएगा आपकी फिल्म जबरदस्त हिट होने वाली है। धन्यवाद। इतने कि आपको पैसा संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए, अगर मेरी धर्म पत्नी यहाँ होती तो कहती कि आपके मुंह में घी शक्कर। बस थोड़ी सी शक्कर हमें दे दें, मैं आपका आभारी रहूंगा। ये लीजिए। क्या है? एक दरख्वास्त है। बाद में पढ़िएगा, एक छोटे से काम की आशा रखता हूं आपसे। देखेंगे। सिर्फ 5 करोड़ मांगे हैं, कैश या कैशेबल ड्राफ्ट में। इस फिल्म का नाम है आने वाला कल। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर विक्रमजीत, उनकी मांग है कि इस फिल्म को यूनिवर्सल सर्टिफिकेट यानी के साफ और सुथरा सर्टिफिकेट, यू सर्टिफिकेट दिया जाए। यहाँ के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए एडल्ट सर्टिफिकेट देते हुए उसके साथ साथ छोटे छोटे हिस्सों को काटने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने इस फिल्म को बड़े गौर से बड़े ध्यान से देखा है और अब हमें अपना फैसला सुनाना है। लेकिन फैसला सुनाने से पहले हम चाहते हैं कि मिस्टर विक्रमजीत और सेंसर बोर्ड इस अदालत के सामने अपना अपना दृष्टिकोण पेश करें। मिस्टर विक्रमजीत के वकील कौन है? मैं खुद योर ऑनर।
तो पहले आप। अब ये लड़ाई मेरे अकेले की ही नहीं, एक बहुत भारी राष्ट्रीय विषय बन चुका है ये रोना। और आज हर सोच विचार करने वाला भारतवासी ये जानना चाहता है कि क्या फिल्मों में वो देख सकता है जो वो देखना चाहता है, या सिर्फ वही देख सकेगा जो उसे खांट छांट के दिखाया जाता है। योर ऑनर, फिल्मों में हमारी सभ्यता पे प्रहार होगा तो क्या हम उसे काटेंगे नहीं? पहले अपनी सभ्यता की परिभाषा तो बताइए। आप बताइए आपकी क्या सभ्यता है? जो आपकी है मेरी आत्मा और शरीर के रोम रोम में बसी है। आपकी फिल्म देखकर ऐसा लगता तो नहीं? फर्क कितना है योर ऑनर कि मुझ में इस बात की जागृति है कि वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है। जो मेरे पिता थे वो मैं नहीं, जो उनके पिता थे वो नहीं थे, और उनके पिता के पिता दादा परदादा थे वो बिल्कुल ही वो नहीं थे, और मेरा बेटा और उसका बेटा और उसके बेटे का बेटा और भी आगे होगा। तो भी हम अपनी प्राचीनता को नहीं छोड़ेंगे योर ऑनर। कौन कहता है छोड़िए, गंगा से प्राचीन क्या होगा? आप उसके बहते हुए पानी को रोक सकते हैं। हमारी सभ्यता भी गंगा के बहते हुए पानी की तरह है योर ऑनर। उसके बहाव में जो भी आया वो उसे भी अपने में समाती हुई बहती हुई चली आती है, उसका स्वागत करती हुई। स्वागतम। आपकी फिल्म को चलने से कौन रोक रहा है? हम दे रहे हैं ना आपको सर्टिफिकेट। मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म सारा देश देखे। 18 साल से कम की उम्र के बच्चे तो नहीं देख सकेंगे योर ऑनर। वो तो वही देखेंगे जो हम चाहेंगे। क्या देखा आपने उसमें कि उसको 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकेंगे? बहुत कुछ। सबसे पहले तो वो अर्धनंगा पहनावा जो आपकी लड़कियां पहनती हैं, वो स्विमिंग पूल वाले सीन को ही देख लीजिए। क्या क्या प्रकट होता है उस लड़की के शरीर में। आपको क्या प्रकट हुआ? उसका सारा अंदर का, वो पानी की बूंदों के बीच में से वो उभरे हुए, अब क्या बोलूं योर ऑनर, लज्जाजनक, शेमफुल। यानी कि उसके भीगे हुए शरीर पर पानी की बूंदों ने इन्हें बेचैन किया। लड़कियां पूल में स्विम नहीं करती योर ऑनर। करती होंगी। किसी भी स्विमिंग कंपटीशन में लड़कियों को वैसे ही कॉस्ट्यूम में आप पूल के अंदर बाहर नहीं देखते योर ऑनर। हम तो नहीं देखते। इसलिए आप दूसरों को देखने से रोकेंगे? आप इस बात से वाकिफ हैं कि आपकी बेटी यहाँ के डिस्को क्लब में नाचती है? ये मेरे व्यक्तित्व पर प्रहार कर रहे हैं योर ऑनर, इतनी भरी सभा में। तो शायद भरी सभा की नजरों के डर से ही आप अपनी बेटी की शादी और उसके बाद उसके वेडिंग रिसेप्शन पर नहीं आए। अपनी बेटी के कन्यादान पर ना आना भी आपकी सभ्यता है। मेरा कोई निजी कारण था योर ऑनर, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और उसके वेडिंग रिसेप्शन पर भी अपनी किसी शर्म और लज्जा की गोद में छिपे रहना आपकी सभ्यता है। एक ऐसे अवसर पर जिसे निभाना कोई भी बाप अपने जीवन का सबसे ऊंचा कर्तव्य समझता है। सही बात। मेरी बेटी की बात मत करें योर ऑनर, अपनी फिल्म की बात कीजिए, अपनी हीरोइन की। वो नंगापन, वो ऊपर से नीचे तक, वो उछाल उछाल कर, वो क्या, वो क्लोजअप के अंदर झटके ले लेकर ऑडियंस की तरफ बढ़ना, वो क्षमा कीजिए योर ऑनर, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ सब देखकर। किसी भी लड़की की सुंदरता आपको डिस्टर्ब करती है पंडित जी? वो बेयर खुली खुली टांगे, जहां नजर फेंको सेक्स सेक्स सेक्स, यही तो लड़की का आकर्षण है। वो उछलेगी कूदेगी नाचेगी, उस समय उसकी टांगे और शरीर नजर नहीं आएंगे तो क्या इनको इनके पूज्य देवी देवता नजर आने चाहिए योर ऑनर? नाच गाना देखिए इनकी फिल्मों में योर ऑनर। कोई इज्जतदार पुरुष है इस भरी सभा में जो ये चाहे कि उसकी बेटी ऐसे ड्रेस पहनकर जो ये फिल्म वाले अपनी हीरोइन के शरीर पर थोप देते हैं, नंगे नंगे शर्मनाक डांस करे? मैंने कोई नंगी फिल्म नहीं बनाई है योर ऑनर। मुझे कोई शर्म नहीं कि मैंने फिल्म में ऐसे ड्रेस पहने। मैंने अपनी मर्जी से पहने और अपने माता पिता की मर्जी से पहने, और मेरे माता पिता इस देश के इज्जतदारों में से है। होंगे योर ऑनर, लेकिन हम सेंसर वालों के लिए ये अश्लील और वल्गर है। अश्लीलता और वल्गैरिटी इनके मन में है योर ऑनर।
हम नहीं देख सकते। कामना की भावना को उत्तेजित करता हुआ वो गुलगुलापन, वो टिटिलेशन। अगर टिटिलेशन और गुलगुलापन से आपकी नींद उड़ जाती है तो बंद करवा के रखिए सारे देश की लड़कियों को घरों में, कमरों के अंदर, बुरकों में, ताकि दुनिया के सामने वो अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर ही न सके। और तोड़वा फोड़वा दीजिए अजंटा लोरा को और सेक्स से भरपूर खाजुराओं की उन सब मूर्तियों को जो हमारे पूर्व छोड़ गए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि उन्हें देख देकर अपना मन लुभाएं। स्त्री का नाम सुंदरता से जुड़ा है योराना। पुरुष को प्रेरणा देती है, उसकी रचनात्मक बुद्धि को उभारती है, उसे इंस्पायर करती है। और आज जब स्त्री अपने पुरुष के साथ बराबर की चोट करने पर तुली है, तो आप उसके स्त्रीपन पर, उसके यौवन पर, जो उसका सबसे मनमोहक अस्त्र है, कैसे पर्दा डाल सकते हैं? जीवन की बात और है महाशय, लेकिन वही बात फिल्मों में नौजवानों के मन और विचारों को भ्रष्ट करती है। सिर्फ फिल्मों को ही बदनाम मत कीजिए। अभी कल ही की बात है योराना, एक 11 वर्ष की बच्ची मेरे सामने अपनी मम्मी के पास गई और पूछने लगी, मम्मी क्या आप भी डैडी के साथ वैसे ही प्यार करती हैं बिस्तर पर जैसे कि टीवी पर वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था? और उसने अंग्रेजी में सेक्सुअल इंटरकोर्स के शब्द भी इस्तेमाल किए। उसकी मम्मी ने उसे धार से चपत लगाई और कर ही क्या सकती थी। और वो लड़की कोई फिल्म देखकर नहीं आई थी, एक टीवी सीरियल वॉच कर रही थी सैटेलाइट पर। अपनी आज की जवान और होने वाली जवान जनरेशन को नन्हे मुन्ने बच्चे मत समझिए। राइट, ये ठीक कह रहे हैं। वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि 11-12 साल के बच्चे किसी भी टॉपिक पर आपको किसी स्कूल के बेंच पर बैठा कर वो शिक्षा दे दें। मत लेक्चर दो हमको, हम जानते हैं हमें अपने नौजवानों को क्या शिक्षा देनी है। हम नौजवानों के लिए आप पिछली सदी के फटे पुराने कैलेंडर बन चुके हैं पंडित जी, आपको जंग लग चुका है। ये समाज सुधार के ढोंगी मुकुट पहनकर हमें उपदेश मत दीजिए। योर ऑनर, पंडित जी हमारे लिए थिंकिंग का कष्ट मत कीजिए। इन्हें बोलने का कोई हक नहीं है योर ऑनर। अभी थोड़े और बड़े हो जाओ बच्चे। हम बड़े हो चुके हैं। 18 साल की उम्र से हर नौजवान वोट कर सकता है। तो क्या इसीलिए तुम गुस्ताखी करोगे? सॉरी योर ऑनर। शोर शराबा योर ऑनर, जैसा इनकी फिल्मों में दिखाया जाता है, मारपीट, वायलेंस, शराब और दारू भी। लाहौल बिलाकू मत। हाँ हाँ, इनके फिल्म में से शराब का पूरा सीन जाएगा। सोसाइटी में शराब पी नहीं जाती क्या? ग्लोरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, शराब का मजा लेना और उसका मजा ले लेकर और मजा लेना। तो फिर नहीं सिर्फ बैन कर दीजिए, मरहूम जिगर मुरादाबादी और श्री हरवंश बच्चन जैसे महान कवियों के कलाम जिनकी पंक्तियां मेरी फिल्म में रिसाइट की गई हैं, बल्कि इस देश की सारी जनता के सामने उन्हें चौराहों पर फेंक कर, उन्हें आग लगाकर स्वाहा कर दीजिए। तो फिर पिलवाइए शराब बालक और बालिकाओं को और चलवाइए उनसे चाकू छुरियां और बंदूकें, जैसे इन्होंने चलवाए अपनी फिल्म में। उन सीनों का भी बहुत सा हिस्सा काटना पड़ेगा इन्हें। आज अगर हमारे देश का नौजवान वायलेंस पर उतर आता है तो वो उसकी ट्रेनिंग इनकी बनाई हुई फिल्मों से लेकर आता है। पंडित जी आपने एक रात आपे से बाहर होकर देर से अपनी बेटी की चमड़ी उधेड़ दी थी, तो क्या वो ट्रेनिंग आपको फिल्मों से मिली थी? 1947 में आजादी के समय देश के बंटवारे पर सारे भारतवर्ष की जनता जिस तरह आपस में खून खराबे का मजा ले रही थी, वैसा कत्लेआम शायद ही संसार में कहीं हुआ हो। क्या वो फिल्मों का असर था? और फिर हमारे इस बॉर्डर पर टेररिज्म, उस बॉर्डर पर टेररिज्म, और अब कारगिल को देख लीजिए, ऐसी वायलेंस जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है और हर रोज टीवी पर देखता है, क्या ये ट्रेनिंग उसको फिल्मों से मिल रही है? वायलेंस का सबसे बड़ा ट्रेनिंग स्कूल हमारी समाज के अंदर है योर ऑनर। हमारे बनाए गए उसके ढांचे की जड़ों में है, इंसान की फितरत में है, उसके चरित्र में है, उसके दिलो दिमाग में है, ऊंच नीच में है, जात पात में है। और ये केवल मनोरंजन के लिए की गई उस तमाशाई वायलेंस से घबराते हैं जो चंद घड़ियों के लिए किसी सिनेमा थिएटर के बंद ऑडिटोरियम में जिंदगी के किसी सच्चे पहलू को पर्दे पे दिखाते हुए वहां बैठे हंसते मुस्कुराते मजा लेते दर्शकों का जी बहलाती है। यही तो सेंसर है। इतना बड़ा हवा जो हाथों में कैंची लिए फिल्मों के सर पर ऐसे मंडराता है जैसे छुरा लिए कोई खसाई। शौक साहब को कटहरे में बुलाया जाइए। शौक साहब। जनाब शौक साहब,
आप इश्क मोहब्बत की नज़में खूब लिखते हैं, लेकिन जब किसी फिल्म में ऐसा कोई दिल मचलाने वाला सीन आता है, जैसे कि आपकी फिल्म में है, हम उसे भी काटने पर तुले हैं। और अगर हम दुनिया को दिखाने पे तुल जाएं कि आप अपने घर से बाहर अपनी बेगम से छुप छुप कर अपनी एक नाचने वाली माशूका के साथ मिलकर उसके बंद कमरे में लैला मजनू के इश्क की एक नई एडिशन लिखने में मसरूफ हैं, तो आप उसे कैसे सेंसर करेंगे? हम आप पर तौहीन का मुकदमा दर्ज कर देंगे। आप हमारे नाम को एक तवायफ एक बिकाव के साथ जोड़ रहे हैं। हमने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नाम बच्चों को तालीम देने में बिता दी है। योर ऑनर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री सबूत है, एक बेमिसाल वीडियो जिसमें जनाब शौक साहब अपनी रखेल के साथ उसके कोठे पर बहुत ही सेक्सी नजर आएंगे। इजाजत हो तो हम उसे इसी कोर्ट में अभी बगैर किसी सेंसर के कैंची के छुए दिखा सकते हैं। यह बकवास है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इन्हें डर है योर ऑनर। हमारे चरित्र पर वार है। ये कैरेक्टर असैसिनेशन। फॉर ऑल टाइम्स वीडियो पर रिकॉर्ड की गई एक रुमानी हकीकत योर ऑनर। वीडियो फिल्म इस कोर्ट में दिखाई जा सकती है। तुम्हारी हंसी कहाँ जा रही हो जाने मन? बड़ा मजा ले रही हो, हम मजा दे रही हो, माशाल्लाह। तुम्हारा चलना कयामत की कयामत। बंद करो इसे। नाचने वाली कोठी वाली को तो मैं मार। अब मांगूंगी तलाक मैं तुमसे। जाओ जाकर उस बाजारी कुत्ते की सारंगी बजाओ उसकी कोटे पर। अब बस भी करो अपना गुस्सा, घर जाके निपट लेंगे एक दूसरे। चाहो मुझे। जल्दी बोलो क्या बात है। जो कुछ भी कोर्ट में हुआ वो सब मैंने देखा और सुना शौक साहब। हम उस हरामी विकी को छोड़ेंगे नहीं। जो भी तुम्हें करना है वो करो। आपका सपोर्ट रहना चाहिए लेकिन मुझे बैकग्राउंड में रखना। किसी की प्राइवेट जिंदगी समय कोई वास्ता नहीं रौना, लेकिन दो मुही पैमानों को नोट किया जाए। डबल स्टैंडर्ड्स। एक जो वो खुद हैं और दूसरा दुनिया के दिखावे के लिए जिससे फिल्में सेंसर की जाती हैं। आप दो मुही पैमाने नहीं है क्या? योर ऑनर, क्या अधिकार है इनको किसी के निजी जीवन को कुरेदने का? बहुत ठीक कह रहे हैं विकी साहब। योर ऑनर, मैंने वो सब सुना जो कहा गया इस कोर्ट में। मैं विकी साहब का पूरे दिल से साथ देती हूँ। डबल स्टैंडर्ड्स, ठीक ही कहा विकी साहब ने। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। आपने शौक साहब को नंगा किया, मैं पंडित महाशय को करती हूँ। आप मेरे पति होंगे घर में। आपको जो कुछ भी कहना है आप कटहरे में आकर कहिए। क्षमा कीजिए योर ऑनर, पूछिए प्लीज पूछिए इनसे कि ऊपर वाले के साथ क्या गुल खिला रहे थे। झगड़ा और क्रोध कम नहीं था क्या जो सारे जहाँ के सामने? हाँ, सारे जहाँ को बताना है, इसीलिए आई हूँ यहाँ। योर ऑनर, इनके गले में मनके की माला है, दिल में पाखंड है और आंखों में बस। कोई भी जवान लड़की देखी तो आंखें ललचा जाती है इनकी। चलो यहां से। ये समाज के ठेकेदार कहते हैं अपने आप को। तो पागलखाने में होना चाहिए था। हाँ, पागल ही थी जो अपनी बेटी पर इतने अत्याचार और जुल्म किए मैंने। पागल औरत। बस आप इस कोर्ट में से भागे हो दो ऑनरेबल समाज के ठेकेदारों को वापस बुलाकर पूछिए योर ऑनर के प्राचीन ख्यालात की कैंचियां 21वीं सदी की फिल्मों पर कैसे चलाई जा सकती हैं? आप नसीरुद्दीन शौक साहब और पंडित शिव प्रसाद के उदाहरणों पर मत जाइए योर ऑनर। ये दो महर्षि अपनी निजी इंसानी कमजोरियों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा सेंसर बोर्ड इन्हीं जैसे व्यक्तियों से भरा पड़ा है। इस फिल्म का फैसला अंडर माई पर्सनल सुपरविजन एज अ रिस्पॉन्सिबल रीजनल ऑफिसर, हमारे सेंसर बोर्ड का इकट्ठा जॉइंट ईमानदार कॉन्शियंस का फैसला है सर। आपके इस जॉइंट ईमानदार कॉन्शियंस वाले फैसले में आपकी कमेटी के दूसरे मेंबर्स भी शामिल हैं मिस श्रीवास्तव? बिल्कुल हैं। उनको भी सुना जाए योर ऑनर। मिस निशा सरीन। निशा जी, अगर आप मेरी फिल्म की हीरोइन होती तो आप वही करती कहती या पहनती जो मेरी हीरोइन ने पहना है? लेकिन मैं आपकी फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ। आप होना चाहती थी। आपने मुझसे बार बार चांस मांगा,
आपने दिया कहाँ? यानी कि आप चांस मांगती रहीं? इन सब बातों का यहाँ कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा इन बातों से मतलब है योर ऑनर। सच बोलिए, आप मेरे पास नहीं आए थे मुझसे प्लीट करने? बिल्कुल आया था। मुझसे भीख मांगने? भीख मांगने नहीं, ताकि मैं आपके फिल्म को सेंसर से बचा लूं, आपके आपके लिए अपना वोट देकर। और क्या आपने सौदा नहीं करना चाहा था कि अगर मैं आपको अपनी फिल्म में कास्ट कर दूं तो आप मेरी फिल्म को क्लीन यूज सर्टिफिकेट दिलवा कर थ्रू करवा सकती हैं? मिस्टर निखिल कपूर, फिल्म के बारे में मेरे कमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं योर ऑनर। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं इसे क्लीन सर्टिफिकेट देने को तैयार था बगैर किसी कट के। जो दूसरे मेंबर्स नहीं माने योर ऑनर, मुझे चुप हो जाना पड़ा। लेकिन चूंकि ईमानदार कॉन्शियंस की बात हो रही है तो कोर्ट में कहना मेरा फर्ज है कि यह फिल्म इंसान के अंदर के अंधेरे को रोशन करती है। इट्स अ मास्टरपीस योर ऑनर, और मैं अपने बच्चों से भी कहूंगा कि यह फिल्म जरूर देखें। मैं एक लेखिका हूं योर ऑनर, मेरी किताबों में पब्लिक ओपिनियन झलकती है। विक्रम साहब ने एक ऊंचे दर्जे की फिल्म बनाई है जो देखने वालों को जागृत कर दे और ऊंचा पहुंचा दे। इनकी कमेंट्स भी मेजॉरिटी ने ओवररूल कर दिया योर ऑनर। लेकिन मेरी कॉन्शियंस को ओवररूल नहीं कर पाया योर ऑनर। मेरी भी एक जवान होने लायक बेटी है, मैंने उससे भी कहा यह फिल्म जरूर देखे जब वो रिलीज हो और उससे कुछ सीखे। आपने सुना योर ऑनर, इन दो ऑनरेबल मेंबर्स की हां, बाकी के तीन मेंबर्स की ना 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 में खो गई। और इसके अलावा योर ऑनर, बोर्ड के बॉस साहब तो बस बड़े साहब ही हैं, और वो भी ऑनरी, एक ऐसे जेंटलमैन जो सिर्फ चेयर पर ही बैठना पसंद करते हैं, ऑर्डर्स ऊपर वालों से लेते हैं और फैसले नीचे वालों से करवाते हैं। और रीजनल ऑफिसर साहिबा मौन रात धारे इस कोर्ट में मेरी फिल्म का ड्रामा देखने के लिए बिल्कुल चुप से बैठी रही। मेरे साइन किए हुए पहले ऑर्डर को आप चुप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि आप सरकारी जंजीरों में जकड़ी हैं। नेचुरली, मेरा फर्ज है बोर्ड मेंबर्स की दी हुए कट्स की रक्षा करना। तो आप मानती हैं कि आपकी अपनी कोई राय नहीं? मंत्री महोदय ने भी फिल्म को देखा, और वो दूसरा ऑर्डर जिसमें एडिशनल कट्स है, ये उन्हीं का आदेश है। मंत्री महोदय भी तो अपनी राजनैतिक पार्टी के आदेश के अधीन है, उनका मन अपना मन कहाँ? उनकी राजनीतिक पार्टी ही इस देश को, इस सरकार को चला रही है, और उनका दिया हुआ सरकारी ऑर्डर इनको मानना ही पड़ेगा योर ऑनर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सारे देश की इच्छा नहीं होती योर ऑनर, पूरा देश नहीं होता। पार्टी सरकार बना सकती है लेकिन देश की बादशाह नहीं। देश के बादशाह लोग खुद हैं, जो 100 करोड़ से भी ज्यादा हैं। और ये आपने 5 मेंबर्स के फैसले को मेजॉरिटी का फैसला बताते हुए मेरी फिल्म को शमशान घाट में जला देना चाहते हैं, उसकी राख बना डालना चाहते हैं। ये कुछ भी कह लें, लेकिन लोकतंत्र में मेजॉरिटी का फैसला ही फैसला माना जाता है, और सेंसर बोर्ड का ऑर्डर मेजॉरिटी का फैसला है योर ऑनर। मेजॉरिटी मेजॉरिटी मेजॉरिटी, जिस मेजॉरिटी की रट लगाई जा रही है योर ऑनर, उस मेजॉरिटी का फैसला इस रजिस्टर में है योर ऑनर। इसमें हमारे देश की उस मेजॉरिटी का हस्ताक्षर है योर ऑनर, जिसने मेरी फिल्म को देखने के बाद उसमें अपनी कैसी मोहर लगा दी कि संसार के किसी भी लोकतंत्र, किसी भी डेमोक्रेसी को गर्व हो सकता है। क्या है इसमें? आप खुद ही देखिए योर ऑनर। देश के हर वर्ग के इंसान ने मेरी फिल्म को देखकर इसमें अपने अपने कमेंट्स दिए हैं योर ऑनर। 90% मेरी फिल्म के हक में है कि इसे क्लीन यूज सर्टिफिकेट दिया जाए, और केवल 10% हैं जिसमें कुछ कट्स मांगते हैं अपने अपने सिद्धांतों, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस, अपने अपने प्रेजुडिसेस के अनुसार, जो बहुत स्वाभाविक है। ये लोग ना ही तो मेरे दोस्त थे और ना ही जान पहचान वाले, जिनके दिल में मेरे लिए ना तो कोई जबरदस्त प्रशंसा थी और ना ही बैर, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। मैं इसका कैसे यकीन कर लूं? ये लोग यहाँ मौजूद हैं योर ऑनर, ताकि अगर इनकी जरूरत पड़े तो आपके सामने आकर मेरी स्टेटमेंट पर सच्चाई की मोहर लगा दें। इन सबको पेश किया जाए। यस योर ऑनर। आप सब कौन हैं? इस देश की जनता योर ऑनर,
सड़कों पर से, झोपड़पट्टियों में से, शानदार पॉश दफ्तरों, आलीशान बिल्डिंगों में से उठाए गए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, कट्टर से कट्टर हिंदू, कट्टर से कट्टर मुसलमान, अमीर गरीब, आप समाज के किसी भी तबके, किसी भी धंधे के नाम लीजिए, आपको इनमें से कोई ना कोई मिलेगा। वो सारी जनता योर ऑनर जो वोट करती है और जानती है कि उनको और उनके बच्चों को क्या देखना है फिल्मों में और क्या नहीं देखना है। आप लोग इस रजिस्टर से वाकिफ हैं? जो कुछ भी इसमें मार्क किया गया है मिस्टर विक्रमजीत की फिल्म के बारे में वाकिफ है। इसमें आप ही लोगों के रिमार्क्स और सिग्नेचर हैं? हमारे हैं। और ये जो दो अंगूठों के निशान हैं जी, किसी ने इसके लिए आपको मजबूर किया या रिक्वेस्ट किया या पैसा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप लोग कसम खाकर कह सकते हैं कि फिल्म देखने से पहले आप कभी मिस्टर विक्रमजीत से नहीं मिले? हम कसम खाते हैं, नहीं मिले। ये स्कीम प्लान की गई लगती है रॉनर, बड़ी चालाकी से पकाई गई है। जिस रोज उनको फिल्म दिखाई गई रॉनर, उस रोज की तारीख है इस रजिस्टर में, और सेंसर को बाद में दिखाई गई वो डेट आपके सामने पड़े सेंसर बोर्ड के ऑर्डर में है। आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड या कुछ? इन सब के राशन कार्ड्स देखे जा सकते हैं। बताइए बताइए। ये रहे। आपके अलावा और कोई नहीं था जिसने वो फिल्म उस दिन उसी थिएटर में देखी हो, जो आज इस पेशी में मौजूद नहीं है और जिसका नाम इस रजिस्टर में नहीं? आई स्वेयर सारा थिएटर हम ही लोगों से भरा हुआ था योर ऑनर। और ये नेगेटिव टिक मार्क्स जो है लोगों के? ये हमारे ग्रुप के दिए हुए कमेंट्स हैं योर ऑनर, लेकिन वो भुलाए जा सकते हैं सर, क्योंकि मेजॉरिटी की हाँ हाँ होती है योर ऑनर। और अब मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि यही मेजॉरिटी है। अभी तक तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, अब भी आपका काम शुरू होगा। आप लोगों ने इस कोर्ट में फिल्म सेंसरशिप पर एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया है जिसका फैसला मेरे हाथ में मिस्टर विक्रमजीत के खिलाफ एक क्रिमिनल केस का वारंट है योर ऑनर। मिस्टर विक्रमजीत ने बगैर किसी ऑफिशियल संस्था के जाने या रिकमेंड किए हुए अपनी फिल्म को अमेरिका भेज दिया। मेरी फिल्म सीधा अमेरिका से एंटर की गई अवार्ड के लिए योर ऑनर, यहाँ इसकी को प्रोड्यूसर भी रहती है, वही की नागरिक है। इनको अभी सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है ऑनर, और चोरी चोरी लेबोरेटरी से मिली भगा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के बगैर इन्होंने फिल्म का प्रिंट अमेरिका स्मगल करा दिया। आप पर लगाया ये इल्जाम सही है मिस्टर विक्रमजीत? यस योर ऑनर। इसी बात पे इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए योर ऑनर। क्या आप जानते हैं कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए आप जेल भी जा सकते हैं? ऐसा करना मेरे लिए जरूरी हो गया था योर ऑनर। पुलिस इनको हथकड़ी लगाना चाहती है ऑनर। मैं आपसे बेल की दरखास्त करता हूँ। इनके लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए ऑनर, ताकि मैं अपना पूरा केस पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने पेश कर सकूं। ये बेल के हकदार नहीं है। बेल का हकदार तो एक खूनी भी होता है, और मेरा इल्जाम ही क्या है योर ऑनर? अभी जज साहब ने खुद ही कहा है क्रिमिनल। इनसे पूछताछ करनी योर ऑनर, जो सिर्फ पुलिस हिरासत में ही हो सकती है। पुलिस मुझे पकड़ के ले गई तो मुझे हैरान कर सकती है, टॉर्चर कर सकती है। तो आपको टॉर्चर की उम्मीद है? पुलिस का कोई भरोसा नहीं योर ऑनर। और इन्होंने जो अंडरहैंड जुर्म किया उसे कोई भरोसे वाला इंसान कर सकता है? मैंने अपने जुर्म को स्वीकार किया है, क्या सच के कोई दाम नहीं योर ऑनर? योर ऑनर, लेबोरेटरी और कस्टम के कुछ लोग जिन्होंने इनको प्रिंट बाहर स्मगल करने में मदद की, वो लोग भी पुलिस की हिरासत में हैं, उनकी स्टेटमेंट ली जा रही है। लेकिन मैं तो आपके सामने कन्फेशन भी कर चुका हूँ। चोर कोई भी चोरी करने के बाद आई एम सॉरी कहकर छूट जाए, ये तो कानून के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे जुर्म से मुक्त कर दिया जाए, मैंने केवल बेल मांगी है। उसके बाद आप जो भी मुझे सजा देंगे मैं पूरे साहस के साथ उसे मंजूर करूंगा। पुलिस इज वेटिंग टू अरेस्ट हिम योर ऑनर। एक नई परिस्थिति खड़ी हो गई है जिस पर हमें गौर करने के लिए वक्त चाहिए, लिहाजा ये कोर्ट लंच के लिए एडजर्न किया जाता है। बेल का फैसला हम लंच के बाद सुनाएंगे।
आपकी मिसेस ने भेजी है, आप घर बुलाए थे और कह के भेजा है, सब ठीक हो जाएगा। और आपकी सुनवाई अगले हफ्ते मंडे के रोज इसी कोर्ट में होगी। और मिस्टर विक्रमजीत को 50,000 रुपए की जमानत दी जाती है। थैंक यू। वाह विक्की साहब वाह, आज आपने कोर्ट में एक नया इतिहास लिख दिया, हमारे मन खोल दिए। अरे भाई विक्रम साहब को कंधे पर उठाकर सीधा डिस्को क्लब ले चलो। आज आपके नाच गाने की फरमाइश हमारी होगी। हेलो विक्की हियर। विक्की स्वीटहार्ट कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी फिल्म को स्क्रीनिंग कमेटी ने देखकर एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया है। आए? मेरी फिल्म को एकेडमी नॉमिनेशन मिला? लेकिन बहुत प्रॉब्लम पड़ी। क्या? अवार्ड के लिए वही फिल्म एंटर हो सकती है जो इसी साल किसी भी एक जगह रिलीज हो चुकी हो। मुझे भी शक था। So you know what I did? मैंने फिल्म का प्रिंट रिलीज करवा दिया। क्या? Don't tell me. अमेरिका के किसी रिमोट कोने में चल रही है और एशियन कम्युनिटी वाह 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 कर रही है। वाह वाह। Oh Vicky sweetheart, the reaction is really really awesome. अभी तुम्हें जीनियस कहना पड़ेगा मैगी। You wanna give me a kiss for that? एकेडमी अवार्ड सेरेमनी कब है? अगले महीने की 16 तारीख को। तो फिर वो खास किस अमेरिका के लिए रिजर्व है। अपनी फिल्म आने वाला कल का नई सदी का गाना हो जाए। यार जो कल थे हम तुम वो कल ना हम रहेंगे। यार जो कल थे हम तुम वो कल ना हम रहेंगे। बदले हैं वक्त पल पल, बदले हैं रंग जमाना।
फैन का लेटर है, पढ़ सकते हो। 5 करोड़ का फौरन इंतजाम हो जाए, वरना हमारे जैसा दुश्मन कोई नहीं होगा। आज ही रात को मुलाकात होगी। आज ही की डेट इस पर? हाँ यार। एक्सट्रक्शन की धमकी है? इस तरह पैसे मांगने वालों की धमकी को सीरियसली लेना चाहिए। जाहिर है कि विक्की साहब को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। डोंट वरी, विक्की साहब को कोई हाथ तो लगा कर देखे। मेरा नोट पढ़ा विक्की साहब? भाई अभी तो वक्त ही नहीं मिला। वक्त हाथ से निकल जाएगा, पढ़ लीजिए, फौरन जवाब चाहिए। नरेश डिस्को को बनिया की दुकान समझ बैठे हो? हटाओ हाथ वहां से, वरना सारे के सारे फ्रीज हो जाओगे यहीं पे। राधा डार्लिंग, घर में कदम रखते ही राधा याद आती है। बाहर देखो सूरज निकलने को है, भूल जाओ राधा को। कैसे भूल जाऊंगा, तुम्हारी प्रार्थना ही तो है कि तुम्हारा पति आज सही सलामत घर लौट आया है, वरना गुंडों ने घेर लिया था और उनकी गोलियों का शिकार बन गया होता। कैसे? कल के अखबारों में पढ़ लेना, लेकिन इस वक्त हंसो कि हमारी फिल्म एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई है। सच? और तैयारी करो उस घड़ी की जो तुम्हें इतनी खुशियां दे कि तुम्हारे लिए जहां की तमाम खुशियों से बढ़कर हो। मेरे लिए तो यही खुशी बहुत है। चलो खाना खा लो। खाना तो मैंने खा लिया। आप प्रार्थना करो कि जज साहब कहीं मुझे जेल ना भेज दे मंडे को। This is CNN. An Indian feature film, Aane Wala Kal, has been nominated by the Sansui World Academy of Motion Picture Arts and Sciences in the category of the best foreign language film. Hindi feature film, Aane Wala Kal, Sansui World Academy Awards ki foreign language film category ke liye nominate ki gayi hai. Award ceremony agle mahine ki 16 tarikh ko hai. ये फिल्म इंडिया के सेंसर बोर्ड में फंसी पड़ी है, जिसका फैसला आज मुंबई के हाई कोर्ट में होने जा रहा है। बच्चे बूढ़े जवान सबकी जुबान पर है, आने वाला कल ये तो होना ही था। अबे ओ कोर्ट के बाहर धक्का क्यों मारता? अबे जाने दे, आगे बढ़ने दे, सुनने दे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब क्या बोल रहे हैं। आज उनकी जबान तेज तलवार की धार है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जेल। हमारे देश के कानून पर एक जबरदस्त तमाचा है योर ऑनर। पूछिए इनसे कि इनकी फिल्म अमेरिका में कैसे रिलीज हुई। जैसे उस देश में हर फिल्म रिलीज होती है योर ऑनर। आपने करवाई? पहले कह चुका हूँ कि वहाँ मेरी एक को प्रोड्यूसर रहती है। बगैर इस देश से सेंसर सर्टिफिकेट लिए? यहाँ के सेंसर सर्टिफिकेट का वहाँ कोई मतलब नहीं योर ऑनर। क्या आपने उन्हें बताया कि आपकी फिल्म यहाँ कानून के शिकंजे में फंसी हुई है? सारी दुनिया जानती है। इन्होंने एक ऐसा गैर कानूनी कदम उठाया योर ऑनर कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए एक लेसन बन जाए। ऐसा कदम नहीं उठाता तो फिल्म एकेडमी अवार्ड के लिए एंटर नहीं की जा सकती थी योर ऑनर। इस जुर्म में फिल्म लेबोरेटरी और कस्टम वालों को आपने कितनी घूस दी? उन्होंने बगैर किसी दाम के मेरी फिल्म का साथ दिया। अच्छा, ऐसा क्या देखा उन्होंने इस फिल्म में? उन्होंने मेरी फिल्म में उसकी शान देखी। बहुत ही दिलदार और होशियार है आपके स्मगलर साथी। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट तो जाए भाई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर से इतनी ऊंची छलांग लगाई अमेरिका की तरफ कि इस देश का कानून बेबस खड़ा देखता रहा योर ऑनर। वक्त की मजबूरी के साथ साथ मैं अपने मनी मन में तेजी से घूमते हुए दो पहियों के बीच पिसा चला जा रहा था योर ऑनर। एक तरफ जुर्म की सजा का डर और दूसरी तरफ मेरी फिल्म की मान्यता और उसकी 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 रिकॉग्निशन की इच्छा और आकांक्षा। अभी आपको वो मान मिला कहाँ? अवार्ड आपकी जेब में है क्या? अभी उसका समय आया कहाँ? बहुत दूर का लॉन्ग शॉट दिखा रहे हो विक्की साहब। अगर फिल्म की एंट्री ना करवाई होती तो ये लॉन्ग शॉट भी फोकस में नहीं आता पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब। कानून तोड़कर इसके लिए आपको भारी सजा मिलने वाली है। इन्हें फौरन जेल भेजिए और लंबी सजा दीजिए। जब तक ये जेल की सजा काट कर वापस न लौटे, इनकी फिल्म का सर्टिफिकेट जैसा कि सेंसर बोर्ड इश्यू करना चाहता है रुका रहना चाहिए। मैंने अपनी फिल्म एक बहुत ऊंचा और सुनहरा सपना देखा है योर ऑनर, जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपका सपना चकनाचूर होने वाला है विक्की साहब। मैंने उसमें अपने मन की पूरी लगन और जीवन की सारी पूंजी लगा दी योर ऑनर। आपको निराशा होगी और आज दुनिया के सामने है कि उसे एकेडमी नॉमिनेशन मिला है। नॉमिनेशन अवार्ड नहीं योर ऑनर। हमारे देश की कितनी फिल्में हैं जो यहां तक पहुंची हैं योर ऑनर। एक ऐसे शिखर के समीप योर ऑनर, जिसकी तमन्ना और आकांक्षा दुनिया का हर फिल्म बनाने वाला अपने सीने में फालता है। आई कैन ओनली सिंपथाइज विद यू विक्की साहब।
अवार्ड मिले ना मिले उसका चांस तो है योर ऑनर। कानून इमोशन और सेंटीमेंट्स पर नहीं चलता योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब आपका फैसला मेरी सर आंखों पर। हम अपना फैसला अगले महीने की 19 तारीख को देंगे। थैंक यू योर ऑनर। विक्रम साहब आपके नाम अमेरिका से फैक्स आया। फैक्स कहां से आया भाई? कहां से आया? रूमी राजा रोहित मोहिनी, आप चारों मिलाओ हाथ मुझसे, अमेरिका जाने की तैयारी करो। अमेरिकन अवार्ड कमेटी का इनविटेशन है कि इस साल के उनके फंक्शन पर हम अपनी फिल्म का एक म्यूजिकल आइटम पेश करें। जाने गोविंदा का मोबाइल लगाओ। गोविंदा, हॉलीवुड बुला रहा है तुम्हें। जो स्पेशल अपीयरेंस तुमने हमारी फिल्म में दी है उसी आइटम को लेकर वहां तूफान खड़ा करना होगा हमारे साथ। वी लव यू गोविंदा, गेट रेडी देन। टीवी और प्रेस वाले विक्रम साहब को अकेला छोड़ दे, आज उनकी शाम हमारे साथ है। ग्रैंड रिसेप्शन जो मेरे मनपर हिल वाले फ्लैट में होगा। नहीं नहीं, हम पार्टी पर नहीं जाएंगे, हम घर जाएंगे, हमारी मिसेज इंतजार कर रही होंगी। भाई इंतजार से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता। विक्की साहब, विक्की साहब पार्टी में जाएंगे और जो प्रेस वाले उनसे मिलना चाह रहे हैं वो पार्टी में आ जाए प्लीज। आज फिर सुबह के 4 बज गए हैं। बहुत सहेलिया, अब मैं जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। कहां जा सकती है राधा? तू नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा अमेरिका। तेरे बगैर तो मैं खोखला खोखला सा लगूंगा। CNN लगाओ, CNN सीधा अमेरिका से प्रसारण होता है जहाँ इस वक्त अवार्ड सेरेमनी चल रही है। अरे नहीं, BBC से भी इतना ही अच्छा आएगा। हमारा दूरदर्शन भी तो रिले कर रहा है। भाई कोई भी चैनल लगाओ, सारे दुनिया से प्रसारण हो रहा है। गोविंदा गोविंदा आने वाले, जल्दी से चैनल लगाओ। गोविंदा गोविंदा। Thank you.
हैं हमारी इंडियन फिल्म का अवार्ड मिलता है कि नहीं। क्या मिलेगा उस डायरेक्टर को वहाँ ठेंगा? मेरे तो आशीर्वाद है उनके साथ। खाली हाथ आएगा उन्हें मलता हुआ। बद्दुआएं दे दे जाओ उसे, मगर वो तुम्हें सबक तो सिखा गया, मुंह काला कर गया तुम्हारा। अभी भी जान देती हो उस पर? कौन नहीं देगा, देखते जाओ। And now in the category of Best Foreign Language Film Award, ladies and gentlemen, I would like to invite Miss Shirley MacDonald to come and announce the award. Come on, Vicky. Vikram ko mil to sakta hai. And the award goes to the Hindi feature film Aane Wala Kal, meaning tomorrow is ours. Oh, we have done it! Deserve करती थी अवार्ड। मैं जानती थी उसने ग्रेट फिल्म बनाई है। Yes. लेकिन मैं भी अपनी जिद पे अड़ी थी। Thank you. I would like to say a few words to my people back home in India. मुझे मालूम है मेरा देश मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, आप सब मेरे मन में हैं। और ये जो इस समय मैं अपने हाथों में थामे हूँ, इसके हकदार आप भी उतने ही हैं जितना कि मैं। आप सब बच्चों से बूढ़ों तक, अमीर से गरीब तक, जिन्होंने मुझे इतनी ढेर सी अनुभव और एक्सपीरियंस की, दौलत दी, ज्ञान दिया, मुझे उठाया भी और गिराया भी, ताकत दी, बल दिया, प्रेम दिया, ये सब उसका फल है। I owe this to my darling wife and to all my colleagues in the movie industry in India and to my entire cast, Rumi, Raja, वो सारे technicians, वो तमाम workers जो मेरे साथ पथरीले रास्तों पर भी चले हैं, हरियाली पर भी चले हैं, जिनके कंधों पर सवार होकर मैं सफलता की फिसलाती इराती टेढ़े मेढ़े रास्तों की राहों में से गुजरता हुआ यहां तक पहुंचा हूं। एंड अबव ऑल टू यू मैगी, आई किस यू मैगी मार्गरेट ट्रूमन, हु इंस्पायर्ड मी टू एंटर माय फिल्म फॉर दिस द बिगेस्ट and the highest of awards in the world of show business, in this land of free human spirit. India ki shobha bada di. Kal 19 tarikh hai, yahan pahunchte hi jail mein kar denge use judge sahab. Badi kadi saza milegi ise jab laut kar aayega, jis tarah ki tamashbeeniyan karwai isne. Jalte jalte tum raakh ho jaoge. बंद करो इसे। देखने दो, सुनने दो। Now in the category of best director, give a big hand to Mr. Vikram Jeet once again. आप भी तेरे कंसाव को। याहू! याद है पिछली बार इटली को एक साथ दो अवार्ड मिले थे। कल तो आप फिर से स्टेज पर पहुंच गए। Thank you. Thank you. All that I want to add now is about and to my wife. मेरी धर्म पत्नी राधा, जो हमेशा पीछे रही है जबकि मैं चलता चला गया, लेकिन राधा कोई गीला शिकवा नहीं इसकी जुबान पे। कौन सा स्कैंडल छपा मेरे बारे में, कैसा स्कैंडल, किसके साथ स्कैंडल, प्रेस ने क्या लिखा, क्या उछाला, इसने सब सहा। मन ही मन सिसकियां लेती, आंसू पीती, पूछती, हर रात खाने की टेबल पर होटियों पर अपने पति के प्रति भगवान से प्रार्थना करते करते वहीं इसकी आंख लग जाती, इसलिए कि ये मेरी राधा है, भारतीय संस्कृति के सांचे में ढली एक पतिव्रता। मेरी
मेरी राधा, लेकिन तू तू पीछे नहीं सबसे आगे है राधा, और मेरे दिल की गहराइयों में बस बस तू ही बसी है, और ये घड़ी एक 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 सदी बन के हम दोनों के बीच थम चुकी है। This is only because of her, ladies and gentlemen, because of her. और मैं इसे तुम्हारी ओर से तुम्हें से राती हूँ दुनिया के सामने स्वीकार करता हूँ। अंदर जत्था फैसला देने वाला है कि विक्रम साहब को जेल होगी या रिहाई। विक्रम साहब कोर्ट में नहीं है। मिस्टर विक्रमजीत कोर्ट में मौजूद हैं। हो सकता है जज साहब विक्रम साहब को फरार घोषित कर दे। अब विक्रम साहब आ गए। थोड़ा लेट हो गया योर ऑनर, अमेरिका से प्लेन वक्त पर नहीं लैंड कर पाया योर ऑनर, और सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। मुझे मुझे जाने दीजिए आगे। ऑर्डर ऑर्डर, मुजरिम को कटघरे में आने का मौका दिया जाए। अभी हमें अपना फैसला सुनाना है। आज हम मुजरिम को एक ऐसी सजा देने वाले हैं जो शायद दुनिया के किसी भी कोर्ट में किसी भी मुलजिम को नहीं मिली हो। मिस्टर विक्रमजीत ने अपनी फिल्म के जरिए सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि सारे देश का नाम रोशन किया है। उसके लिए हमें उसे स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए। थैंक यू। ऑर्डर 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 ऑर्डर, अभी हमें अपना फैसला नहीं बताया। अपना फैसला सुनाने से पहले हम देश के लिए एक जजमेंट देना चाहते हैं। सरकार से हमारी दरखास्त है कि वो एक राष्ट्रीय डिबेट कायम करे ताकि जनता का हर नुमाइंदा अपनी अपनी राय पेश कर सके कि आज के मौजूदा हालात में देश के आज के समय में फिल्म सेंसरशिप जायज है, और अगर है तो कहां तक है। अब हमारा फैसला, हम चाहते हैं कि जिस तरह अमेरिकन अवार्ड कमिटी ने मिस्टर विक्रमजीत की फिल्म को देखा, जिस हाल में देखा, हमारे मुल्क में भी उस फिल्म को उस हाल में देखने का अधिकार है। गोया हम इस फिल्म को यूनिवर्सल साफ सुथरा सर्टिफिकेट देते हैं, इसे सेंसर की जंजीरों से आजाद करते हैं। होल्ड ऑन। अभी हमें सजा भी देनी है। कानून तोड़ा है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, और तुम्हारी सजा है तुम्हारे फिल्म की रिलीज पर पहले दिन की जितनी भी कलेक्शन है ऑल इंडिया की, वो किसी जरूरतमंद फंड में दी जाए। पहले दिन ही की नहीं बल्कि देश भर से जितनी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती जाएंगी वो तमाम देश के हर अच्छे कार्य के लिए दिशावर। जनता की आपकी फिल्म आने वाला कल देखने की प्यास कब बुझेगी विक्रम साहब? अरे मीलों के क्यों लगने वाले हैं रिलीज पर, आप भी उनके पीछे जाके खड़े हो जाइएगा। वो तो होगा ही, लेकिन अभी हम विक्रम साहब के मुंह से सुनना चाहेंगे। अपने निजी ख्यालों के साथ साथ 21वीं सदी के ख्यालात भी जोड़ के चलिए, वरना प्राचीनता के पन्नों में से ढूंढना पड़ेगा आपको।